Hello, hello, hello. Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? क्या हो गया? नहीं हुआ? ग्रेट. प्रोजेक्टर्स पे ऑन कर दिया. ओके. चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड? ओके. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सॉरी, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. फाइनली, प्रॉबली द लास्ट डिस्कशन ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. विल फिनिश द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5. 2 के अंदर दो सिंपल से टॉपिक्स पेंडिंग है. एक है वैल्यू चेन एनालिसिस एंड दूसरा वाला है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. आ जाइए चैप्टर नंबर 2 के अंदर. इसमें आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कवर करके दिया है, पेस्टल एनालिसिस कवर करके दिया है, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट डिस्कस हो गया था, एंड सबसे पहले माइकल पोर्टर का जो फाइव फोर्स मॉडल जो था वो डिटेल में डिस्कस हो चुका है. अब आइए सीधा पेज नंबर, वैल्यू क्रिएशन से पहले वैल्यू चेन एनालिसिस रहना चाहिए. दैट शुड बी 2.19. यू विल सी ए हेडिंग कॉल्ड एज वैल्यू चेन एनालिसिस. देखो, आज की जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट दे आर नॉट अमेंडमेंट्स. मतलब ये ओल्ड सिलेबस में भी एज इट इज थे. इट्स जस्ट दैट आई बिलीव चैप्टर 2 एंड 5 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इन पे हिस्टोरिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीट हो सकते हैं, इस वजह से हम उनको आज रिवाइज करेंगे. जो जो नया पार्ट इंक्लूड किया था वो सब कवर हो चुका है. एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं जो लास्ट 3 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड जो दिए थे वो आपने देखे होंगे. इट्स माई असम्पशन. एंड इफ यू हैव सीन दैट मीन्स ऑल एडिशनल पार्ट जो जो है वो सब कवर हो चुका है. आइए चैप्टर नंबर 2 में पहला डिस्कशन होगा वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट. इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. इससे कनेक्टेड एक दूसरा वर्ड भी होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन. क्या बोलते हैं? वैल्यू क्रिएशन. दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. दुनिया में ज्यादा वैल्यू क्रिएशन वर्ड यूज होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस कम यूज किया जाता है बिकॉज इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट. बट वॉट इट रियली मीन्स, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट. सुनिए, व्हेन आई से द वर्ड वैल्यू क्रिएशन, इसका मतलब होता है दैट व्हेन अ कस्टमर इज पेइंग यू अ प्राइस, एक कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए दैट मैं जो प्राइस पे कर रहा हूं उसके लिए, वॉट एवर मनी आई एम गिविंग इट टू यू एज अ मैन्युफैक्चरर, मेरे को उससे लिए जो वैल्यू मिलना चाहिए दैट शुड बी मोर देन द कॉस्ट व्हाट आई एम इनकरिंग. तो यहां पर ना 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एंड तीसरा होता है वैल्यू टू द कस्टमर. एंड आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, प्रॉब्ली आपको ये वर्ड पहले समझ में आएगा. इट्स ऑन पेज नंबर 2.32. यू विल सी अ बॉक्स. ये पहले समझ लीजिए, इससे आपको फिर वैल्यू चेन एनालिसिस समझ में आएगा. यहां पर ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. वन इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट प्राइस, सेकंड इज योर सेलिंग प्राइस, एंड थर्ड इज योर वैल्यू टू द कस्टमर. तो इट इज योर वैल्यू क्रिएशन.
इट इज वैल्यू टू द कस्टमर. अब अगर मैं बोलता हूं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपीज है, हमारा करंटली सेलिंग प्राइस 180 रुपीज है, वी आर वर्किंग एट अ मार्जिन ऑफ 80 रुपीज पर यूनिट, एंड जब एक कस्टमर 180 रुपीज पे करके प्रोडक्ट परचेस करता है उसे ऐसा लगता है दैट द वैल्यू रिसीव्ड बाय द कस्टमर इज मोर देन 180, लेट्स से आई कॉल इट 240, कैन आई से उसे लग रहा है वो जिस चीज के लिए 180 दे रहा है उसके लिए जो उसे वैल्यू रिसीव हो रहा है द यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट और अ सर्विस इज मोर देन 180. इन दिस केस वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ 240, मतलब उसे लग रहा है वो 180 पे करके 240 के इक्विवेलेंट कंफर्ट या एक तरीके से यूटिलिटी गेन कर रहा है. जब तक वैल्यू टू द कस्टमर इज अबव योर सेलिंग प्राइस कस्टमर विल कीप ऑन कंटिन्यूअसली कमिंग बैक टू यू, रेकरिंग कस्टमर रहेगा एंड साथ साथ में आपके प्रोडक्ट को कस्टमर बाकी लोगों को रेकमेंड भी करेगा. रिमेंबर दैट अगर कस्टमर को ऐसा लगता है दैट द वैल्यू इज मोर देन द प्राइस व्हाट दे आर पेइंग. सी हर कस्टमर को ये मालूम है आपका कॉस्ट प्राइस कम रहेगा उसके ऊपर आपका मार्जिन ऐड होकर सेलिंग प्राइस होता है. कस्टमर को उससे प्रॉब्लम नहीं है. कस्टमर को प्रॉब्लम कब होता है जब उसे लगता है माय वैल्यू इज 150 बट द सेलिंग प्राइस इज 180, मतलब आई एम पेइंग 180 एंड द वैल्यू व्हाट आई एम गेटिंग इज लेस देन द प्राइस व्हाट आई एम पेइंग. तो कस्टमर को यू नो प्रॉब्लम आएगा, वो कस्टमर बोलेगा इट इज नॉट वर्थ इट. एक वर्ड होता है बहुत कॉमन, द प्राइस व्हाट वी आर पेइंग इट्स नॉट वर्थ इट. That means हमें वैल्यू कम मिला है और हमने पैसा उसके लिए ज्यादा पे किया है. तो वैल्यू क्रिएशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज अ कंपनी ऑलवेज कीप इन माइंड यू शुड ऑलवेज ऑलवेज बी अवेयर कि भाई आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है. आप जो भी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हो ना, आजकल लोग बोलते हैं डोंट डिसाइड सेलिंग प्राइस ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस. लोग क्या बोलते थे पहले, फाइंड आउट योर कॉस्ट प्राइस, एड अ रीजनेबल मार्जिन एंड योर सेलिंग प्राइस विल अराइव. अब लोग उल्टा बोलते हैं डोंट थिंक अबाउट योर सेलिंग प्राइस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस. थिंक लाइक दिस, जो प्रोडक्ट आप बना करके बेचेंगे कस्टमर को उसका वैल्यू कितना है, उसको जो वैल्यू है ना उससे नीचे आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, चाहे वो मार्जिन उसके बाद में बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए फर्क नहीं पड़ता है. डोंट डिसाइड कि हमें इतना ही मार्जिन कमाना है, आप उल्टा सोचो हम कितना मैक्सिमम मार्जिन कमा सकते हैं. उसके लिए वैल्यू क्रिएशन समझना चाहिए, वैल्यू टू द कस्टमर समझना चाहिए. कैन आई से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस एंड व्हाट इज वैल्यू टू द कस्टमर. रिमेंबर वैल्यू टू द कस्टमर शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप. इज दैट क्लियर टू यू? अब सर वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर को फील होना चाहिए दैट द वैल्यू व्हाट दे गेट इज वेरी वेरी हाई, इसके लिए आपको अपने बिजनेस के हर स्टेप में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. अब ये नहीं कर सकते हो कि सिर्फ एक काम करते हैं पैकेजिंग बढ़िया कर देंगे उससे वैल्यू एडिशन हो जाएगा, सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया दे देंगे उससे वैल्यू एडिशन हो जाएगा. नहीं, वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको अपने बिजनेस के हर स्टेप के अंदर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू चेन एनालिसिस. मतलब आप ये एनालाइज कीजिए फिर डिसाइड कीजिए आपके बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज है हर एक्टिविटी के अंदर क्या कोई और वैल्यू एडिशन हो सकता है, अगर हाँ वो कैसे हो सकता है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी को अगर आप एनालाइज करके इंप्रूव करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर होगा. इसीलिए ये जापानीज कॉन्सेप्ट भी था TQM, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. क्वालिटी कैन नॉट बी इंप्रूव्ड इन वन एलिमेंट, क्वालिटी को आपको हर स्टेप में इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल बिजनेस का क्वालिटी एनहेंस होगा, तब जाके वैल्यू उन्हें ज्यादा मिलेगा फॉर द प्राइस व्हाट दे आर पेइंग. ये यही कॉन्सेप्ट कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस. इन्होंने क्या किया, बिजनेस के सारे एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटी. और हर एक्टिविटी को एनालाइज करो, उसमें वैल्यू एडिशन करने का ट्राई करो. ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस. मतलब एक बिजनेस के अंदर अगर मैं ये फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूं तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है, मैं इसके लिए रॉ मटेरियल किससे खरीद रहा हूं, मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग कैसे कर रहा हूं, मैं पैकेजिंग कैसे कर रहा हूं, कैसे मेरा फिनिश गुड्स कस्टमर तक जा रहा है, ये सारे एक्टिविटीज जो है मेरे बिजनेस के लिए एसेंशियल एक्टिविटीज है, मुझे इन सबको एनालाइज करके वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस इन योर मॉड्यूल्स. नाउ कम टू पेज नंबर 2.19 वैल्यू चेन एनालिसिस. आइए फर्स्ट पॉइंट को मार्क कीजिएगा. वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय स्ट्रेटेजिस्ट टू ब्रेक डाउन
ईच प्रोसेस दैट देयर बिजनेस एम्प्लॉइज, मतलब आप जो जो प्रोसेस अपने बिजनेस में लगाते हैं उसको अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए. मतलब आप अगर बोलते हैं ना ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये फिनिश प्रोडक्ट तक आने के लिए आपके अलग अलग स्टेप्स क्या है, मतलब रॉ मटेरियल इससे ही क्यों प्रोक्योर करते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यू यू नो एक्चुअली प्रोक्योर, हाउ डू यू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, हम पूरे बिजनेस के प्रोसेस को अलग अलग एक्टिविटीज में क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए. फिर देखिए, दिस एनालिसिस कुड बी यूज टू इंप्रूव द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि मतलब शायद मे बी आपने जो रॉ मटेरियल अक्वायर किया होगा, आपने जो मे बी रॉ मटेरियल अक्वायर किया होगा उसके बाद आप उसको हैंडल कर रहे होंगे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे. मे बी रॉ मटेरियल के लिए जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी लगाने का तरीका अप्लाई कीजिएगा इफ रॉ मटेरियल इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट. मतलब सर कैसे हम हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं, बॉटम लाइन हम क्या अचीव करना चाहते हैं, मार्क द वर्ड, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. आई हैव टॉट यू दिस. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है यू मेक मोर प्रॉफिट्स देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री. उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट भी कम होना चाहिए, वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन ज्यादा होंगे, बेहतर होंगे इन कंपेरिजन टू ऑल अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. मतलब सर इसका भी ऑब्जेक्टिव एक है, आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हैं. पॉइंट नंबर वन को मार्क कीजिएगा, मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. दो मिनट स्पेंड कर लीजिए, अगर एक क्वेश्चन आए तो आपको यह पहला सेंटेंस लिखना चाहिए. पॉइंट नंबर वन, मीनिंग ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, बिजनेस को दो ब्रॉडर एक्टिविटी में डिवाइड किया है. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिविटी. पॉइंट नंबर 10 को मार्क कीजिए. देयर आर सेट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज जो शायद बिजनेस इंप्रूव करना चाहेगा. देन देयर आर सम सेट ऑफ सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज. यू शुड नो नेम ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिविटीज. हर किसी के बारे में एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना अगर आता है तो भी काम हो जाएगा. प्राइमरी एक्टिविटीज बहुत सिंपल है, ये लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होता है, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है. तो कैन आई से माई बेसिक थ्री एक्टिविटीज आर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मतलब रॉ मटेरियल को कंपनी के अंदर लेकर के आना, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशंस. फिर जो फिनिश गुड्स रहेंगे वो कस्टमर के पास जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. इनबाउंड, ऑपरेशंस एंड आउटबाउंड. इनबाउंड मतलब लॉजिस्टिक्स इज बेसिकली रेफरिंग इनपुट्स को कंपनी के अंदर लाएंगे, फिर इनपुट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर फिनिश गुड्स कस्टमर के पास जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज आउटबाउंड. सो इनबाउंड इज गेटिंग रॉ मटेरियल और इनपुट्स विद इन द कंपनी. ऑपरेशन मीन्स कन्वर्टिंग योर रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स. आउटबाउंड मीन्स योर फाइनल फिनिश गुड्स को कस्टमर तक लेकर के जाना. स्पेंड टू मिनट्स, पहले तीनों एक्टिविटीज को पढ़िए. इनबाउंड के अंदर देखिए, these activities are concerned with receiving, storing and distributing. What sir? Mark the word, inputs. मतलब आपको manufacturing करने के लिए जो raw material चाहिए, service provide करने के लिए जो inputs चाहिए, वो लेकर के आना will be called as inbound logistics. दूसरा, operations. यहां पर आप transform करोंगे inputs को into a final product, that is converting your raw material into finished goods. This is called as operations. Basic meaning आना चाहिए एक sentence heading के साथ में, अगर आप लिख सकते हो that is more than sufficient. Obviously finished goods जब ready होगा customer को आप you know dispatch कर देंगे, customer तक पहुंचाएंगे, that is called as outbound logistics. Outbound में देखिए एक चीज, आप कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट किसको सर, टू द कस्टमर. अब यहां पे इन्होंने दो चीज लिखी है, अगर टैंजिबल प्रोडक्ट होगा, लेट्स से ये माउस है फॉर एग्जांपल, तो कहना इसे ए टैंजिबल प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटबाउंड. रीड फॉर टैंजिबल प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग आएगा, मटेरियल हैंडलिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, जिस ऑल चीजों के थ्रू हमारा फिनिश गुड्स किसके पास पहुंचेगा, कस्टमर के पास पहुंचेगा. फॉर टैंजिबल प्रोडक्ट लॉजिकल है. अब जब सर्विस होता है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, कोई इवेंट वगैरह है, लेट्स अ कॉन्सर्ट एंड ऑल, कैन आई से देयर विल बी अ लोकेशन. अब आइडियली ये सर्विस आपको कब मिलेगा, व्हेन यू रीच द लोकेशन ऑफ द इवेंट. सो योर इन केस ऑफ सर्विस इट मे बी मोर कंसर्न्ड विद अरेंजमेंट्स फॉर
ब्रिंगिंग कस्टमर्स टू सर्विस टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब इंश्योर करना कि सर्विस रिसीव करने के लिए कस्टमर्स ने सही लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप उन्हें लोकेशन का अंडरस्टैंडिंग देते हैं, लॉजिस्टिक्स अरेंज करते हैं, वहां पर आने के बाद चीजों को अकोमोडेट करते हैं, वो सब चीजें क्या बन जाएगी, आउटबाउंड बन जाएगी। यहां पर आउटबाउंड का रेफरेंस है या तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन गया कस्टमर तक भेजने का है, सब कुछ आउटबाउंड का पार्ट होगा। सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो, बट कैन आई से सर्विस रिसीव करने के लिए कस्टमर को कहीं ना कहीं एक कॉमन लोकेशन पे आना पड़ेगा। व्हेन यू अरेंज फॉर अ कस्टमर टू अराइव एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, वी कैन कॉल दैट एज अ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड ऑपरेशंस आउटबाउंड। समझा क्या? स्पेंड 2 मिनट्स तीनों को पढ़ लीजिए, बचा हुआ 2 पढ़ के क्लोज करेंगे। ठीक है, नंबर 4th इज कॉल्ड एज मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब सिंपल है, आपका फाइनल प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता है, मार्केटिंग एंड सेल्स भी एक कोर पार्ट होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है जो आपका प्रोडक्ट है इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टारगेट मार्केट तक पहुंचाना, मतलब इंश्योरिंग दैट योर टारगेट मार्केट इज अवेयर कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप ये प्रोडक्ट किस तरीके से बना करके सामने वाले को प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, मतलब आपके बिजनेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इज इनडायरेक्टली मार्केटिंग। बेसिकली कन्विंसिंग देम दिस इज व्हाट वी सेल, फ्रॉम वेयर कैन यू बाय दिस, ये चीज इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। सेल्स का मतलब होता है कस्टमर से इंटरेक्ट करे, उसे कन्वर्ट करना कि आपने क्यों यही प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। मार्केटिंग इज नॉट सेल्स, मार्केटिंग इज इनडायरेक्टली पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, अवेयरनेस क्रिएट करना इज मार्केटिंग। सेल्स इज हार्ड कोर कन्वर्जन ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनटू एन एक्चुअल कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स। ये दोनों भी हमारे प्राइमरी एक्टिविटी के पार्ट है। देखिए मार्केटिंग में क्या बोलता है, दिस विल इंक्लूड प्रोवाइडिंग मीन्स वेयर बाय कस्टमर्स और यूजर्स आर मेड अवेयर कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस क्या क्या है, ताकि वो लोग अल्टीमेटली क्या कर पाए, परचेज कर पाए। मार्केटिंग के दौरान आप 100% श्योर नहीं होते हो कि जिन जिन को आप मार्केट कर रहे हैं सब लोग खरीदने ही वाले हैं, और यहां पर ना आपका ऑब्जेक्टिव भी है सिर्फ उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, कहां से आप परचेज कर सकते हैं, यूटिलिटी क्या ऑफर करते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करना, यू नो करना, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। सेल्स इज एक्चुअली रीच out to the customer some or the other way and trying to convince the customer why this product is the best fit for you. यहां पर आप उसे actually में target market से customer में convert करने का try कर रहे हैं। This will include lot of sales administration, advertising, selling, all these aspects are part of my marketing and sales. Can I say ये दोनों भी मेरे लिए core activity रहेगा? Yes, इसीलिए किसका part है? Primary activity का part है। बहुत सारे companies में historically दोनों department common हुआ करते थे। In today's time, people have realized that marketing is different and sales is different. अब लोगों ने proper दोनों marketing, you know, and sales department को bifurcate करना शुरू कर दिया है। But लिखते हो दोनों को combine करके लिखा है, but they both are different activities. Is this clear to you? ठीक है, हम कौन सा एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस में आपके बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज क्या क्या है। पहला था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, गेटिंग द इनपुट्स, ऑपरेशंस इज कन्वर्टिंग योर इनपुट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। थर्ड इज आउटबाउंड, इंश्योरिंग योर फाइनल प्रोडक्ट रीचेस टू योर कस्टमर, उसका लॉजिस्टिक हैंडलिंग सब कुछ कहां पर आएगा, आउटबाउंड में आएगा। नंबर 4th इज योर मार्केटिंग एंड सेल्स, बेसिकली मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड हाउ कैन दे पोटेंशियली बाय योर प्रोडक्ट, ये सब चीज हैंडल करना मार्केटिंग सेल्स में आएगा। लास्ट वन इज कॉल्ड एज सर्विसेज, दिस मींस आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आपने प्रोडक्ट को बेच दिया है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन हो गया, रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, वारंटी वाली जो चीजें हो गई, ये सारी सर्विसेज कहलाती है आफ्टर सेल्स सर्विसेज, क्योंकि सेल्स हो चुका है नंबर 4 में। नंबर 5 इज सर्विसेज आफ्टर दैट। देखिए दोज एक्टिविटीज व्हिच एनहांसेस और मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल
इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एटसेट्रा, ये सब चीजें हमें लगता है क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज का पार्ट है, वो भी आज की तारीख में एक एसेंशियल प्राइमरी एक्टिविटी है. डू यू अंडरस्टैंड? फाइव प्राइमरी एक्टिविटीज, यू गॉट वन मिनट, रीड ऑल ऑफ देम. इफ यू आर कंफर्टेबल विल गो टू सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज. देखिए ये सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज क्या है, इनका लॉजिक ये है, फॉर ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज, आपके जितने भी ये प्राइमरी एक्टिविटीज है पांचों के पांचों, इन सब को कुछ ना कुछ जनरल सपोर्ट एक्टिविटीज का जरूरत पड़ेगा. तो कैन वी से ये इन्होंने चार, इनके हिसाब से बहुत हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, इनके हिसाब से चार सपोर्ट एक्टिविटीज बनाई है जो हर एक प्राइमरी एक्टिविटी के लिए यूजफुल रहेगी. मतलब दीज ऑल सपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिविटीज आर रेलेवेंट फॉर ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज. नाउ व्हाट इज दिस सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटी? सबसे पहला चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चाहे मुझे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मैनेज करना है, ऑपरेशंस मैनेज करना है, मार्केटिंग सेल्स मैनेज करना है, वन थिंग इज एसेंशियल, दैट इज राइट सेट ऑफ पीपल. सो द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज HR डिपार्टमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स management. You will need human resource for all primary activities. Rather, beyond all this, human resource management ek business ke liye itna essential, itna important hai ki wo hamare primary activities ke bhi beyond jata hai. To secondary support activity mein inhone pehla jo reference diya hai, that is called as human resource management. Matlab human resource ko manage karna for the entire business. Chahe ab mere ko raw material procure kaun karega, uske liye log chahiye, ya operations ke liye log chahiye, मार्केटिंग सेल्स के लिए लोग चाहिए या आफ्टर सेल सर्विस के लिए लोग चाहिए, डज नॉट मैटर. इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. आज का एक आर्टिकल है टुडे ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्राइवेट बैंक्स जो है इंडिया के, योर HDFC, ICICI बैंक एंड ऑल, दे इनडायरेक्टली हैव एन अरेंजमेंट वेर दे डोंट पोच पीपल फ्रॉम ईच अदर. ये अरेंजमेंट US के IT टेक वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता था, वेर इफ यू आर वर्किंग इन एप्पल, गूगल विल नॉट हायर यू. इफ यू वर्क इन गूगल, Amazon और Apple will not hire you. Basically, उनको लगता है हम इतने competitive world में काम करते हैं, अगर हम एक कोई भी company किसी दूसरे से लोगों को पोच करेगा, वो किसी और को पोच करेगा, इट विल बिकम अ साइकिल. अल्टीमेट लॉस कभी एम्प्लॉय का नहीं होगा, कंपनी का ही होगा. तो सिमिलरली प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी इनडायरेक्टली एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, नॉट वोकली बट इट्स इनडायरेक्टली देयर, वेयर दे डू नॉट हायर पीपल फ्रॉम देयर कॉम्पिटेटिव बैंक. वो हायर ही नहीं करते. अब अगर वो हायर ही नहीं करेंगे तो लोग शिफ्ट ही नहीं होंगे. तो इससे थोड़े ट्रेड सीक्रेट जो है आपके बिजनेस के आपके पास ही रह जाएंगे, वो आसानी से मूव अराउंड नहीं करेंगे. ये इंडस्ट्रीज में नॉर्मली जो कॉम्पिटिटर्स है वो इनडायरेक्टली अग्री कर लेते हैं. ये बहुत कॉमन होता है. दिस हैज बीन देयर इन US इंडस्ट्री ऑल्सो. तो अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. उस जमाने में माइकल पोर्टर ने सेकेंडरी एक्टिविटी बोल दिया. अगर आप आज की तारीख में बात करेंगे, कोई सेकेंडरी नहीं बोल सकता है. दे विल कॉल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ प्राइमरी एक्टिविटी, बट इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, वी कांट फाइट अबाउट इट. डू यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन? आइए पहला एक्टिविटी पढ़िए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एक एक लाइन आपको लिखना आना चाहिए. This is particularly important area which transcends matlab goes beyond. It is very open-ended. It goes beyond all primary activities. Matlab ye bahut broader concept hai. Sirf primary activity nahi, har cheez ke liye human resource management ek business ke point of view se kafi important hota hai. Obviously jab HR ka baat hoga to recruitment ka baat aayega, staff ka management ka baat aayega, logo ke training ka baat aayega, logo ko reward kaise kiya jayega, ye sab cheeze ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होती है. आई एम श्योर आपने
थोड़ा ओल्ड सिलेबस में ईएएस में पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, थोड़ा बहुत ऑडिट के अंदर भी रहेगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मतलब ये काफी कॉमन है। एचआर के कॉमन एक्टिविटीज, रिक्रूटिंग पीपल, ट्रेनिंग देम प्रॉपरली, मैनेजिंग द पीपल, गिविंग देम राइट कॉम्पनसेशन, ये सब चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। इज एचआरएम क्लियर टू यू? पहला वाला। दूसरा चीज दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। इट टूडेज टाइम टेक्नोलॉजी भी मेरे हिसाब से सेकेंडरी से प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया है। बट माइकल पोर्टर का बोलना क्या है भाई, एक बात समझिए, जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, एजुकेशन भी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इज नॉट द प्राइमरी एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी इज इनेबलर। सी, एजुकेशन इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, सो नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म, इट क्रिएट्स अ इनेबलिंग सिनेरियो कि जो आप लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए यू नो दैट द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट इन द एडटेक मॉडल, योर एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दैट पीपल फोकस सो मच ऑन टेक्नोलॉजी दे फॉरगॉट इट स्टार्टेड विद एड। आई मीन It was all about education and it was not about technology, because वो valuation game में इतने busy हो गए, they were thinking that it's all about technology, it's not about education. People really forgot about the education part. इसीलिए वो थोड़ा model एक तरीके से इंडिया में flop हो गया, up to some extent, we're not sure 100%. As of now, it looks like that. अभी के लिए वापस से, human resource management के अलावा जो secondary activity है, that is called as technology. Technology के लिए बच्चों एक common word होता है, it's called as know-how. क्या word होता है? Know-how का मतलब होता है someone knows how to execute something, someone knows how to fulfill a criteria, that's called as know-how. मतलब आपने एक software build किया है जो समझता है एक problem को solve कैसे करना है, that's why it is called as know-how. In business, you need a technical know-how for everything. You need technology to connect with customers, you need technology to store your products, you need technology to send messages to your customers, you need technology for everything. That's why they believe technology is a supporting activity that is required for all primary activity. Point number one, बहुत time pass से लिखा हुआ है, all value activities have a, mark the word, टेक्नोलॉजी। मतलब हर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं रिलेटेड रहेगा, इवन इफ इट इज अ सिंपली नो हाउ। अगर बहुत छोटा सा लेवल का भी टेक्नोलॉजी का रेलेवेंस है, बट तब भी हर एक बिजनेस एक्टिविटी में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का हिंट जरूर आपको देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए ना, इन टूडेज लाइफ, लाइक जस्ट इमेजिन, ओके, it's very common now, at least in Pune also, it started with Bangalore. If you stay in a society, residential society, jahan pe 200-300 apartments hote hain, you know there is a mobile application nowadays, MyGate, which is very common. Like for example, anyone comes to meet you, on the entry itself, you'll get a notification. Only if you approve, people will be allowed to enter the society ka premises. Matlab, this is how technology is changing the way we live. So can I say, बहुत छोटी छोटी चीजें हर एक activity में कहीं ना कहीं आपका technology का integration हो चुका है. That is your point number two, that this is part of all business activities. You cannot really avoid it. एक एक सेंटेंस आपको लिखना आना चाहिए। सपोर्टिंग एक्टिविटी टेक्नोलॉजी समझा होगा, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा वर्ड ना ओपन एंडेड है, इट्स कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? फिजिकल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फिजिकल प्रीमाइसेस हो गया, ये हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या फर्नीचर वगैरह हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये बोलता है इसके बियॉन्ड भी, फॉर एग्जाम्पल योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि मतलब टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, लोअर लेवल पे कौन है, या डू यू फॉलो आर ग्लास स्ट्रक्चर, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट हैव टू बी अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन बी अ वर्चुअल स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड किया है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो बिजनेस में चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टूडे वेन यू आर हायर्ड बाई गूगल, will they tell you जो काम करना है कर ले? No. Rather, before hiring, they will put a requirement. You are being hired in a specific department at a specific role, और आपसे expectation है आप इन लोगों के साथ में रह करके ये काम execute करेंगे। अगर ऐसा structuring नहीं होगा तो company जब बड़ा हो जाएगा तो can I say people will have no clue what they are really responsible for. This is a job of infrastructure. चाहे primary activity है तो भी अच्छा structuring होना चाहिए, operations है तब भी structuring, मतलब हर primary activity के लिए एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इट कैन बी फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी इसका पार्ट है, कॉर्पोरेट कल्चर भी इसका पार्ट है। ये सब चीजें किस वर्ड में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। आइए पढ़िए, देखिए, द सिस्टम ऑफ प्लानिंग,
फाइनेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स योर डे टू डे यू नो रूटीन ऑफ यू नो आपके कॉर्पोरेट कल्चर को सस्टेन करने के लिए रूटीन एक्टिविटीज क्या है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात समझ लीजिए, अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं, आपका कार गार्ड चेक करेगा कि आप क्या सामान लेकर के आ रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में काम करेंगे, वो आपको पेन ड्राइव कैरी करना अलाउ नहीं करता है, हार्ड ड्राइव कैरी करना अलाउ नहीं करता है, रादर आपके पर्सनल लैपटॉप्स को प्रीमाइसेस में ले जाना अलाउ नहीं करता है. और जो ऑफिस लैपटॉप है, आई होप यू नो दैट, इन योर ऑफिस लैपटॉप इफ यू कनेक्ट द यूएसबी ड्राइव, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर डेटा. इट्स ओनली वन वे, फ्रॉम पेन ड्राइव डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द लैपटॉप, फ्रॉम लैपटॉप नथिंग कैन गो आउट. फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने ऑफिस के लैपटॉप से अपना जीमेल ओपन करते हो, उस जीमेल के अंदर भी, अपने पर्सनल जीमेल पे भी, इफ यू आर ट्रांसफरिंग डेटा, इट इज नॉट अलाउड. इट विल गेट ऑल सिंक्ड अप विद द सर्वर, बिकॉज डेटा प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न. एंड उनको लगता है डायरेक्टली अगर डिवाइस पे कंट्रोल नहीं हुआ, या मेरे यू कैन से आईटी के अंदर कंट्रोल नहीं हुआ, तो कैन आई से डेटा प्राइवेसी लॉस कभी भी हो सकता है, उसे रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए ऐसे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं. सब कुछ किसका पार्ट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है. दे ऑल आर इंटीग्रेटेड. आपको बस पता होना चाहिए चार सपोर्ट एक्टिविटीज है, ह्यूमन रिसोर्स, योर टेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट. द प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, सुनिए. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हम जो भी चीज प्रोक्योर करते हैं, एग्जाम्पल, मेरे को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी चाहिए. मशीनरी को प्रोक्योर करना इज ऑल्सो प्रोक्योरमेंट. मतलब दिस प्रोक्योरमेंट इज नॉट द रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट इज एनी इनपुट दैट यू नीड फॉर एनी प्राइमरी एक्टिविटी. मार्केटिंग करने के लिए मेरे को लेट्स से एक सॉफ्टवेयर का जरूरत है, वो सॉफ्टवेयर को परचेज करना इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट. मार्केटिंग करने के लिए मुझे मे बी लेट्स से कुछ लोगों का जरूरत है, कुछ प्रिमाइस का जरूरत है. प्रोक्योरमेंट इज अ जनरल वर्ड. एनीथिंग दैट यू नीड फॉर द पर्पज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट. ये जनरल वर्ड होता है. प्रोक्योरमेंट हम लोग यूज करते हैं फाइनेंस में अबाउट रॉ मटीरियल, बट इट इज नॉट दैट रॉ मटीरियल, बिकॉज वो प्रोक्योरमेंट कहां पर आ चुका है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ चुका है. ये प्रोक्योरमेंट जनरल प्रोक्योर है. देखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग वेरियस रिसोर्स इनपुट्स, बट फॉर विच एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज. मतलब अलग अलग इनपुट्स जो मुझे किसी भी प्राइमरी एक्टिविटी के लिए चाहिए वो कहलाएगा प्रोक्योरमेंट. मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, प्रोक्योरमेंट कहलाएगा. मशीनरी परचेस करेंगे वो भी प्रोक्योरमेंट है, लोगों को लेकर के आएंगे वो भी प्रोक्योरमेंट है. इट्स अ जनरल वर्ड, रिमेंबर दैट. Is this clear to you? Pakka. That's it. Your value chain analysis is done. Primary activity, 5 ka naam pata hona chahiye. Secondary support activity, 4 hi hai. You should know the names. This was a very common question in the old syllabus. Poochte the. Mere ko ab thoda chance comparatively kam lagta hai because chapter number 2 mein aur bahut sari cheeze aa gayi hai poochne ke liye. But still, it's my duty to at least make you aware that your concept hai. Spend 2 minutes. वैल्यू चेन एनालिसिस. पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन और मीनिंग आना चाहिए. उसके अलावा सीधा पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11, मतलब योर प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज. तो अगले पेज पे उतना काफी है. वंस यू आर डन, देन कम टू पेज नंबर 2.31. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन वैल्यू चेन एंड प्राइमरी? बेटा, वैल्यू चेन का मतलब है जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये सब चीजें मिलकर के एक चेन है. दिस इज चेन ऑफ एक्टिविटीज. चेन ऑफ एक्टिविटीज में प्राइमरी भी आता है, सपोर्ट भी आता है. हम चाहते हैं हर एक्टिविटी को एनालाइज करके वैल्यूएशन करो, तभी वैल्यू क्रिएशन होगा. तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब है जो जो बिजनेस के एक्टिविटीज है उन्हें एनालाइज करके वैल्यू क्रिएशन करने का हेल्प कीजिए, तब हम ओवरऑल लेवल पे वैल्यू क्रिएशन कर पाएंगे. दैट्स द रिलेशनशिप. Come to page number 2.31. This one, what I taught you just at the start, this is a very important concept. Globally, jitne bhi best business schools hote hain, uske andar ek concept, matlab, at any stage, even if you are 2021, it's being taught. Even if you're 3031, it's being taught. Even if you're 51, it's being taught. They always say, it does not matter what industry you work for.
वैल्यू क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, प्योरली अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, तो कभी आप सक्सीड नहीं करेंगे. और एक्चुअली बताओ ये फैक्ट क्यों होता है, एक बार सोचिए, थिंक अबाउट इट, व्हाई दिस नीड्स टू बी टॉट. आज क्या हो रहा है ना, यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनीवन, यू आर जस्ट सिटिंग एज अ स्टूडेंट, यू आर लिसनिंग टू मी. ठीक है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो सबसे, तो जस्ट इमेजिन यू गेट टू वर्क. तुम किसी भी कंपनी में काम करो, तुम एप्पल में काम करना शुरू करते हो, तुम्हारा एक एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे को एप्पल में नौकरी मिला है. So your first thing is, I'm working in Apple, I'm getting my salary. And you get so much, you know, become part of a routine process. कि तुम्हें जो everyday basis में काम दिया जाएगा, तुम वो execute करते जाओगे. You will be all about, मेरे से जो expectation हो, fulfill होना चाहिए. इससे मेरा growth होते जाएगा. तुम कभी भी शायद आसानी से ये सोच नहीं पाओगे कि Apple as a company जो final product बना रहा है, उसका value creation क्या है for the customer. You forget about the customer. Even sometimes you may yourself be the customer. Are you understanding my point? And you become part of a company for such a longer period of time, then suddenly you become a leader, and then the expectation is you should think about value creation. You are like, shit, for 20 years I never thought about it. Then leaders are asked to go to business schools. I'm telling you the process. Then they are asked, go attend these 2 months of lectures. Literally, after these 2 months, now you become like a leader. Okay, I have to think like a businessman. Same people, if you meet them when they are in their 20s, same people in the same company, you meet them when they are in their 40s, you will understand the difference in what they are talking. In 20s, they are talking about, how do I become a manager? Now in 40s, they are thinking, how do I add value? Aapka baat karne ka tarika, aapka conversation 100% badal jayega, because aapse jo expectation ho badal jata hai. Isiliye, unfortunately, ye ek कॉमन पार्ट है कि लोगों को बार बार ये चीज बतानी होती है. ऑल्दो एवरीवन नोज दिस, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रीटीरियड एंड कीप टेलिंग देम दैट वैल्यू क्रिएशन इज द ओनली थिंग व्हाई अ कंपनी सर्वाइव्स. अदरवाइज नो कंपनी इन दिस वर्ल्ड वुड एवर एवर सर्वाइव इफ दे बिलीव द सेलिंग प्राइस इज मोर एंड द वैल्यू क्रिएशन इज लेस. आइए लेट्स रीड दिस, क्लोज इट ऑफ. आ जाइए, कुछ ग्रेट नहीं है, एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, मेरे को लगता नहीं है बाकी कुछ एफर्ट डालने का जरूरत है, बट स्टिल 2.31 रीड पॉइंट नंबर 2 मेरे साथ में. पहले व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट का फीचर्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, समटाइम्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, समटाइम्स ड्यूरेबिलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस, या सर्विसेज जिसके लिए कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. मतलब सर, जब आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो ना, ये सोचिए why the customers are paying this price. Why ka answer dhoondna is basically finding out what customer believes is valuable in your product. Agar aapko wo nahi samajh mein aaya to aapke product mein aapko bechna kya, aapko ye pata nahi chalega. It's important to know what customers like and what customers don't like about your product or maybe about a competitor's product. Agar aap khud ke product ko analysis kar rahe ho to aapko thoda aur, you know, क्रिटिकल होना पड़ेगा. अगर आप जनरली कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हो तो आप बाई डिफॉल्ट क्रिटिकल होते ही हैं, कि आपको मालूम है आप सामने वाले को पसंद नहीं करते, तो सामने वाले का प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, आपको देखने के बाद में समझ में आ ही जाएगा. इस पॉइंट नंबर 2 क्लियर टू यू. एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर आइए पॉइंट नंबर 6 और 7 को मार्क कीजिएगा. सर अल्टीमेटली मेन कॉन्सेप्ट जो वैल्यू क्रिएशन है वो आपको क्या अचीव करने में हेल्प करेगा, जो बिजनेस को अचीव करना है. व्हाट सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड आपको ओवरऑल हेल्प करेगा टू अर्न प्रॉफिट्स अबव द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी. वही तो डेफिनेशन था कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का. हमें क्या चाहिए, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा मार्केट शेयर एक एवरेज कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में ज्यादा होना चाहिए. तो वैल्यू क्रिएशन आपको यह अचीव करने में हेल्प करेगा. अब सर वैल्यू क्रिएशन है क्या, समझेगा कैसे, पॉइंट नंबर 7 में दिया है. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लीड्स टू सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी एट अ वेरी बेसिक लेवल. एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज या वैल्यू क्रिएशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है. रीड एबीसी, व्हाट आर दीज 3 फैक्टर्स. कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू टू द कस्टमर. अरे उसके बिना वैल्यू क्रिएशन समझे गई नहीं ना. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू टू द कस्टमर. पॉइंट नंबर सी इज द कॉस्ट, बी इज योर प्राइस दैट यू चार्ज, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, एंड ए इज द वैल्यू व्हाट योर कस्टमर फील्स. रिमेंबर, वैल्यू शुड बी मोर देन द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस यू विल एनीवेज कीप मोर देन द कॉस्ट प्राइस. वो तो अजम्पशन है ना, धंधा करने का तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेचोगे. इंपॉर्टेंट ये है जिस पे तुम बेच रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू कस्टमर को लगना चाहिए, तो ही फायदा है. इज दैट क्लियर टू यू.
अब आगे माइकल पोर्टर ने कॉन्सेप्ट बनाया, तो माइकल पोर्टर अपने ही स्ट्रेटेजी का फायदा उठाएगा। माइकल पोर्टर के स्ट्रेटेजी क्या थे? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। वो क्या बोलेगा? इफ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू बिकम अ कॉस्ट लीडर, इफ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू थिंक अबाउट डिफरेंशिएशन, थिंक अबाउट फोकस। सर वैल्यू चेन एनालिसिस भी माइकल पोर्टर ने बनाया। तो वो बोलेगा ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करने का है तो प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी में डिवाइड करो। बेसिकली जो ऊपर पढ़ के आए हो वो सब नीचे लिख करके दिया है। एक आध मिनट के लिए स्पेंड करके टाइम पढ़ना है तो बात अलग है। रीड पॉइंट नंबर 12, रीड पॉइंट नंबर 11, 12। सिर्फ एक बार रीड करो, लिखना विखना नहीं है। यू शुड नो दैट दीज कॉन्सेप्ट आर ऑल रिलेटेड टू माइकल पोर्टर। पढ़िए, टू डिफरेंट नहीं है। उसका थर्ड स्ट्रेटजी भी था। अरे थर्ड वाला क्या था? फोकस। बट उसका आर्ग्यूमेंट पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि माइकल पोर्टर को बाद में रियलाइज किया फोकस इंडिपेंडेंटली काम का नहीं है। फोकस शुड बी यूज इधर विद कॉस्ट लीडरशिप और विद डिफरेंशिएशन। अरे समझा क्या? दैट इज वाई बताया था तुमको मैंने, याद आई। इसलिए वो बोलता है वाई इट इज अचीव थ्रू डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, फिर बाकी खुद ही बताते रहेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है। वही रामायण चल रहा है पूरा का पूरा। फिर दे रहा हूं, रीड पॉइंट नंबर 19, वैल्यू चेन एनालिसिस आ गया क्या? इसीलिए आईसीए नहीं पूछेगा, ये आंसर बहुत आसान है, कोई भी लिख लेगा। एक पॉइंट जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, दैट इज नंबर 20, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इट इज बेसिकली वैल्यू कंज्यूमर वॉन्ट्स टू पे शुड बी ओवर एंड अबव द प्राइस दैट अ बिजनेस वॉन्ट्स टू चार्ज। इट्स अ सिंपल रूल दैट वैल्यू शुड बी अबव द प्राइस वॉट यू चार्ज। इज दिस गुड? दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन। मेरे को वैल्यू क्रिएशन में डायग्राम पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ वैल्यू आना चाहिए पॉइंट नंबर 2 के अंदर, एंड पॉइंट नंबर 7 कि भाई वैल्यू क्रिएशन अल्टीमेटली किस में हेल्प करेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में। अगर आप चाहते हो जेन्युइनली वैल्यू क्रिएशन हो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव हो, तीन बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, एंड वैल्यू टू द कस्टमर क्या है। इसके बिना आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव नहीं कर सकते हैं। अभी गुड, लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। आइए, एक कंज्यूमर वगैरह क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, प्लीज आप रीड कर लीजिएगा, बहुत टफ है ये। बीसी कैसे आया है? कस्टमर कंज्यूमर मे नॉट बी सेम। अरे खरीदा आपने होगा, कंज्यूम कोई और कर रहा होगा, वो बीकॉम लेवल चीज है। प्लीज कम टू कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप 2.36। आपको अपनी जिंदगी में 20 साल के बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत कम में आएगा। इफ यू रीच अ लीडरशिप रोल, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ओ इट एक्चुअली मेक सेंस। पर तब तक क्या याद रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम श्योर यू लर्न विद एक्सपीरियंस। कम टू द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। क्या है इसका मतलब? कुछ नहीं, सिंपल सा वर्ड है, आपने अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना चाहिए। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप मतलब ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट कैसा है। तो एक इंडस्ट्री में सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उनको ढूंढिए। जैसे आपने खुद के ऊपर स्वॉट एनालिसिस लगाया था, वैसा स्वॉट एनालिसिस किस पे लगा दीजिए? कॉम्पिटिटर पे लगा दीजिए। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इट इज नथिंग बट इनडेप्थ एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री। चूज द इंडस्ट्री, चूज ऑब्वियसली ऑल योर कॉम्पिटिटर्स, देन परफॉर्म अ स्वॉट एनालिसिस ऑन देम। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, मतलब इनडेप्थ एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन इंडस्ट्री। एक लाइन को मार्क कीजिएगा, स्टेप्स इन्वॉल्व है, कुछ बेसिक से 5 स्टेप्स है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज पूरे SM के अंदर नहीं है, पर बच्चा फिर भी अगर ढंग से रीड करके नहीं गया ना, तो क्वेश्चन पढ़ने का उसको रियलाइज ही नहीं होता मेरे को ये लिखने का है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया। 5 मिनट्स डिस्कस विद मी, यू शुड बी डन। आइए 2.36। सबसे पहले देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज नथिंग बट अ बिजनेस एनालिसिस, जहां पर हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड ऑब्वियसली उसके बाद में कॉम्पिटिटर को ही हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। बिजनेस एनालिसिस है तो मतलब यहां पर प्योरली किसका एनालिसिस किया जाएगा, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया जाएगा। मतलब इट्स अ इनडेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ फर्म्स कॉम्पिटिशन। इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, इनडेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ फर्म्स कॉम्पिटिशन। मतलब आपके जितने भी कॉम्पिटिटर है उनका
इनडेप्थ एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन करना इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। मतलब सर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं मालूम है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। यू शुड ऑलवेज नो एज अ बिजनेसमैन और एज अ बिजनेस वुमन हु ऑल आर द कंपीटिंग फर्म्स। अवेयरनेस होना जरूरी है। मूवीज में अच्छा लगता है दैट आप कॉम्पिटिटर को नहीं देखते हैं, इन रियलिटी यू लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, रिमेंबर दैट। एंड इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ बिजनेस, अवेयरनेस अबाउट द कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर वन, आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स। Who are your core competitors? It can be individuals, it can be small organizations, or it can be big organizations. It can be local, it can be global. Number one, identify the competitor. Number two, understand आपका कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बेचता है, क्या सर्विसेज बेचता है, क्या वो एकदम सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है, या सर आपसे ज्यादा उसके पास में वैरायटी रहेगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। सर मतलब उसका कोर बिजनेस क्या है, ये समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स कैनॉट से वी आर द प्योर कॉम्पिटिटर मारुति। नहीं यार, मारुति कमर्शियल व्हीकल नहीं बनाता बिल्कुल भी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी बनाता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते आप हर एंगल से एक कॉम्पिटिटर के परफेक्ट कॉम्पिटिटर रहेंगे। हो सकता है आपके पास बिजनेस में डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन आपने पहले से कर लिया होगा, सामने वाले ने नहीं किया होगा, उसने स्पेशलाइजेशन में डील किया होगा। सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है हर किसी का स्ट्रेटेजी परफेक्ट रहेगा, वो आप अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। तो नंबर वन, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड आपके कॉम्पिटिटर के कोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। फिर सर आप पता कीजिए आपके कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ्स, मतलब व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर द कॉम्पिटिटर। ऑब्वियसली इन टुडेज टाइम योर सोशल मीडिया, योर रिव्यूज ऑफ द कस्टमर्स, ये सब चीजें आप थोड़ा सा यू नो यू कैन से लोगों से मिलिए, इंटरव्यूज कंडक्ट कीजिए, इससे आपको पता चलेगा व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर योर कॉम्पिटिटर एंड ऑब्वियसली व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल फॉर योर कॉम्पिटिटर। फाइंड देयर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज देयर वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंगली पुट दिस ऑल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन यू मेक अ डिसीजन। स्ट्रेटेजाइजिंग का मतलब ही होता है पहले इंफॉर्मेशन ला करके एक पीस ऑफ पेपर पे ढंग से प्रेजेंट कीजिए, फिर आप लॉजिकल डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है जहां आपका कॉम्पिटिटर वीक है वहीं पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगा, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोचेंगे। जहां पर आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रांग है वहां पर मे बी आप वीक रहेंगे और वहां मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए लोगों को पोच करना पड़ सकता है कभी कभी, कभी कभी नए छोटे बिजनेस को अक्वायर करना पड़ सकता है, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करना पड़ सकता है। यही पांच स्टेप्स कहलाते हैं स्टेप्स टू कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आइए स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। नंबर वन, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिशन। मतलब सर सिंपल सा है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ बिग आर दे। पढ़िए देखो क्या बोलता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड, इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री। उनका एक्चुअल मार्केट शेयर आप आइडेंटिफाई कीजिए, इससे पता चलेगा कितने बड़े कॉम्पिटिटर है वो आपके लिए। नंबर टू, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, मतलब उनके कोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है जो वो लोग ऑफर करते हैं। कैन आई से, आप उसके लिए कुछ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इन सब से उनके एक्चुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को समझने का ट्राई कर सकते हैं। नंबर थ्री, उनके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मतलब सर व्हाई डू दे डू वेल, क्या उनके प्रोडक्ट्स बेटर हैं, सर्विसेज बेटर हैं, ब्रांड लॉयल्टी स्ट्रांग है, मतलब उनका स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, क्या उनको कोई कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, वो लोग नॉर्मली नेक्स्ट स्टेप क्या लगाना चाहेंगे, मतलब उनके बारे में अच्छा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका एडवांटेज रहेगा, मे बी हो सकता है उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है इस वजह से उनके मार्जिन बेटर रहेंगे, दे कैन बी समथिंग गुड अबाउट देम, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। सिमिलरली उनके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब कंज्यूमर के रिपोर्ट्स, रिव्यूज, वेरियस मीडिया चैनल्स को पढ़ करके आइडेंटिफाई कीजिए वेयर आर दे लैकिंग। कैन आई से, आइडेंटिफाई देम, अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइंड देयर स्ट्रेंथ्स, फाइंड देयर वीकनेसेस। इसके बाद ये सब चीजों को एक पेपर पे डालिए और लॉजिकली डिसीजन लीजिए। पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर, मतलब सब कुछ एक जगह पे आना चाहिए, फिर सोचिए इस सबका बिजनेस फायदा कैसे उठा सकता है, हम हमारे लिए क्या इंप्रूवमेंट लगा सकते हैं, उनके वीकनेसेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमारे वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा। दैट इज योर स्टेप नंबर फाइव। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको ढंग से पढ़ने होते हैं, इफ यू रीड इट प्रॉपर्ली वंस और ट्वाइस, राइटिंग आंसर टू दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सेंटेंस में मीनिंग आना चाहिए, पांच स्टेप है, स्टेप का हेडिंग आएगा, एक सेंटेंस आएगा, दैट्स इट। दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द वे। स्पेंड 2 मिनट्स,
पढ़ लीजिए एक बार। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर टू। आज के डिस्कशन में दो ही इंपॉर्टेंट मेजर एरिया थे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मीनिंग, पांच स्टेप्स, एंड दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस, उसका मीनिंग आना चाहिए, प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज, ये आपको आना चाहिए। दैट वॉज द इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम चैप्टर नंबर टू। अभी गुड गाइज, उसके अलावा जो मेजर डिस्कशन था एक बार के लिए मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। आइए चैप्टर नंबर फाइव के ऊपर, इधर बहुत सैम्पलिंग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट है। देखिए सबसे पहले चैप्टर फाइव में अकॉर्डिंग टू मी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट दो लेक्चर में भी रिपीट किया था, जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे, फाइव में जो पार्ट नया है वो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। मतलब जब मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर फाइव पढ़ने का, मैं डायरेक्टली जो बोलता हूं वो आपके कोर एरियाज होने चाहिए, उसके अलावा बाकी चीजें कितनी पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, बट अकॉर्डिंग टू मी You start with digital transformation. Page number 5.17. How does digital transformation work? इसमें भी सीधा directly आपका change management क्या होता है and change management के strategies क्या होते हैं, पांच best practices. Detail में पढ़ाया था, आपको proper notes भी लिखवा करके दिए, अगर लिखा होगा तो फायदा होगा। सिमिलरली हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलर आंसर था बट फिर भी अलग हेडिंग्स के थ्रू लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें एकदम डिटेल में आपने पढ़नी चाहिए, दीज फाइव बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हाउ डज यू नो चेंज इज मैनेज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये नया है, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट ही नया है आपके सिलेबस में। प्रॉब्लम ये, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन लिखा है, बाद में उसको भूल गए, उनका फोकस चलेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज मैनेजमेंट मुश्किल होता है, तो चेंज मैनेजमेंट भी पूरे डिस्कशन किया है। अगर आपने लास्ट दो लेक्चर नहीं देखे हैं, चुपचाप देखना ढंग से, जो लिखवाया है लिखना, ये मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले पहले दो अटेम्प्ट में आपको इधर से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आईसीआई ऐसे ही वर्क करता है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चनिंग, मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दे आर इंपॉर्टेंट। तो यही पढ़ने का, पहले यही प्रैक्टिस करने का, नंबर वन। इसके बाद आगे आइए, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में मैकेंजी का 7S मॉडल क्या है, हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। इसका भी प्रॉपर समरी मैंने आपको लिखवा के दिया था कल के लेक्चर के अंदर, अज्यूमिंग आपने सुना होगा और ढंग से लिखा होगा। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये मॉडल भी पहले आपके सिलेबस में नहीं था, पहली बार इंक्लूड करके दिया है, यू शुड नो दिस। इसके बाद में सीधा आ जाइए, आफ्टर दिस कम टू SPM, Strategic Performance Measures, पेज नंबर 5.47। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैकेंजी का 7S मॉडल, ये दो पढ़ने के बाद सीधा हो गया आप SPM कॉन्सेप्ट पे, 5.47। इसके अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इंपॉर्टेंट है एंड उनका इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको आना चाहिए। दो मेजर एरियाज है, इंपॉर्टेंस एंड
एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। ये पहले नहीं था, सिर्फ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था आपके सिलेबस में, और आईसीआई को स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ही बहुत पसंद था। उन्होंने बहुत बार उस पर क्वेश्चन पूछा, कम से कम मेरे हिसाब से लास्ट 8 से 9 साल के अंदर 5 या 6 बार पूछा हुआ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मतलब ऑलमोस्ट हर सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। अब फाइनली स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का ही एक बेटर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एस एसपीएम इन टुडेस टाइम। इट इज अ वेरी इट्स बेसिकली अ मेजरमेंट टूल जिससे हमको पता चलेगा आर वी प्रोग्रेसिंग एज वी हैड प्लान्ड और नॉट, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने वो लेक्चर सुनना चाहिए था, ढंग से समरी बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से इन तीन में से, दैट इज योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसके अंदर चेंज मैनेजमेंट का रोल, मैकेंजी का 7S मॉडल एंड द थर्ड वन इज योर एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग पहले 2 अटेम्प्ट में शायद यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वेरी हाई चांस। अच्छा, अभी अगर थोड़ा आईसीआई रैशनली सोचे थोड़ा अगर, तो इन तीन में से वो एक क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क के लिए, और एक 5 मार्क का क्वेश्चन ना जो ओल्ड सिलेबस वाला कंटेंट था वहां चलते जाएगा, इट कैन बी अ मिक्सचर। तो मतलब इफ द चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, फॉर 5 मार्क्स इज गोइंग टू बी न्यू कंटेंट एंड फॉर 5 मार्क्स इज गोइंग टू बी ओल्ड कंटेंट। दे बीइंग इरेशनल दे विल आस्क यू न्यू इन फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स, पूरा खत्म कर देंगे एक बार पहले, समझ लो मेरा बात, एंड उसके बाद में शायद वो ओल्ड सिलेबस वापस जाएंगे। पर उल्टा भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो कि वो न्यू से एक पार्ट पूछे एंड ओल्ड से एक पार्ट पूछे। तो ओल्ड में से वो क्या पूछ सकता है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मतलब लिटरली जो जो उनको समझ में नहीं आया सब चैप्टर 5 में डाल दिए। मेरे हिसाब से ओल्ड में अभी भी प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 पे सबसे पहला आएगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। क्या कॉन्सेप्ट आएगा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, आपको अभी रिवाइज करवा के देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मतलब आपको मैं जो बोल रहा हूं आप उस तरीके से पढ़िएगा। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, पेज नंबर 5.45। एक्सपीरियंस कर्व इज इन चैप्टर, अरे हाँ बेटा पढ़ा दिया ऑलरेडी यार, रिकॉर्डेड देखते नहीं, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, यूजलेस फेलोस, फॉलो करो, क्वेश्चन मत पूछो फालतू का। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक चेंज, उसमें कर्ट लुइन का एक प्रोसेस है, आइए पेज नंबर कर्ट लुइन का प्रोसेस स्ट्रेटेजिक चेंज, पेज नंबर 5.16, कर्ट लुइन्स मॉडल ऑफ चेंज, मार्क दैट इज इंपॉर्टेंट। It has been asked multiple times. ICI will repeat. पहला strategic control, दूसरा strategic change, उसके अंदर भी Kurt Lewin का model of change 5.16. Mark किया दोनों को। तीसरा according to me will be your leadership. उसमें आता है एक transformational leader, एक आता है transactional leader. अब आओ leadership ढूंढते हैं, page number, अरे बहुत सारे पेजेस घूमना पड़ेगा, बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पेज नंबर 5.42 लीडरशिप, इसमें 5.43 पे मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड अगला रहेगा ट्रांजैक्शन लीडरशिप। या तो सिचुएशन दे देगा, बोलेगा कौन सा लीडरशिप स्टाइल रेलेवेंट है इस सिचुएशन में, या एक आईसीआई को बहुत घटिया क्वेश्चन बहुत पसंद है, पेज नंबर 5.41 Can you see point number 6? वो बोलेगा तुम लीडर बन गए हो, तुम्हें स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने का है, वॉट इज योर रोल इन अ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 5.41, पॉइंट नंबर 6। जनरली ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल, बट स्टिल उसके बियॉन्ड अगर लीडरशिप पे क्वेश्चन आएगा तो ये नंबर 6 इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी पहले 2 अटेम्प्ट में वो इधर ही थक जाएंगे, इसके भी बियॉन्ड अगर जाने का है, इतना बाउंसर क्वेश्चन देने का कि तेरे को समझ ही ना आए क्वेश्चन किधर से आया है, अगर ऐसा करना है तो उसके लिए अरे वो चैप्टर में 50 पेज है भाई, समरी के बाद में, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब सुनो तुमने पहले 4 चैप्टर पढ़ ले लीजिए, 5 को छोड़ देना चाहिए, 5 के अंदर जो पहले नया मार्क किया पहले वो पढ़ना चाहिए, आज जो रिवाइज करूंगा वो पढ़ना चाहिए, फिर अगर लगता है कैपेबिलिटी तो आगे जाना चाहिए।
यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बट ये नेवर एंडिंग है. फाइव में कितना भी प्रिपरेशन कर लो इट्स अबाउट हाउ मच टाइम यू हैव. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट एफ एम बिकॉज आपको दोनों सब्जेक्ट का प्रिपरेशन साथ साथ में करना है. तो अगर आपको एफ एम के लिए टाइम नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल बोलूंगा इतना पढ़ने का बाकी छोड़ देने का रिस्क है. पांच मार्क का मैं मना नहीं करता पर पांच मार्क का रिस्क है. एफएम के अंदर तीन चार चैप्टर छोड़ के जाओगे उसके बजाय इसका कुछ पार्ट छोड़ के जाओ पांच मार्क के लिए दैट इज स्टिल एन एक्सेप्टेबल रिस्क. मतलब मेरे हिसाब से ये एक्सेप्टेबली लोअर लेवल है अपने रिस्क के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. फाइव मार्क का रिस्क है मैं डिसएग्री नहीं करता हूं. इसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस उन्होंने लिख के दिया है स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर. पेज नंबर 5.2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और मॉडल 5.2 कम से कम एक 10 लेक्चर लगता है चैप्टर खत्म करने में 10 से ज्यादा. मतलब ये नेवर एंडिंग चैप्टर है. कैन यू सी दिस डब्बा दिस इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. ओवरव्यू दे दूंगा इसके पांच स्टेप्स होते हैं ये यहां लिखे हुए हैं स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. ये पांच स्टेजेस पता होनी चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवाइज करवा के देंगे 5.3 पे. इन पांच में से भी सबके बारे में कंटेंट दिया है बट ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इंप्लीमेंटेशन पे पूछेगा. ऐसा क्यों बस बता दिया आर्ग्यूमेंट मत करो. 5.5 स्टेज 4 एंड मैं बताया क्या ये कब से प्रिडिक्ट कर रहा था फाइनली ऐसे ने पूछ भी लिया. और मेरे हिसाब से ये लास्ट दो अटेम्प्ट में कभी तो आया था. जब वो क्वेश्चन आया होगा बच्चों को पता भी नहीं चला होगा ये क्वेश्चन किधर से आया है. ये ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 3 के अंदर विजन मिशन के पीछे छुपा हुआ एक कॉन्सेप्ट था जहां ये पांच स्टेप्स लिखे हुए थे उसके अंदर उन्होंने एक ही डिटेल में ढंग से लिखा था दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन. वहां बढ़िया पॉइंट लिख के दिए समझ रहे ना मेरा बात. चार मार्क के लिए पॉइंट्स पूछना आसान हो जाता है तो उन्होंने इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया. चलो क्वेश्चन भी अगर मिलेगा तो दिखा दूंगा आपको मैं बट सेम ही था ये. इट इज अबाउट इंप्लीमेंटेशन दैट कैन बी वन क्वेश्चन. मेरे हिसाब से इतना ही पढ़ना चाहिए. इसके बाद भी बहुत टाइम हो तुम्हारे पास में अगर लाइफ में मतलब ऐसे नेवर एंडिंग टाइम ही टाइम है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिनका सिर्फ दो ही सब्जेक्ट रहेगा ऑडिट एफ एम एस एम ऐसे है ना. बहुत सारे बच्चे उनके बहुत टाइम है लाइफ में काम क्या है. इसके बाद तुमने जाना चाहिए इधर एक डब्बा मिलेगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग. नॉर्मल स्टूडेंट्स और राइटिंग बोथ द ग्रुप तुमने यहां रुक जाना है. ये मैं बात कर रहा हूं जिनके लिए सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एफएमएसएम. यू विल गेट बोर्ड एक पॉइंट के बाद. मैं करूं क्या लाइफ में बहुत टाइम है मेरे पास में आर्टिकलशिप कर नहीं सकता है आईसीए ने मना कर दिया है. सो यू शुड नो दिस डिफरेंस दिस कैन बी अ क्वेश्चन. इसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. इतना पढ़ना चाहिए फॉर्म्यूलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. इसके बाद में भी अगर टाइम बच जाए अरे तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ बेटा. चैप्टर मतलब वो अपने आप में सब्जेक्ट है ये चैप्टर मेरे सबसे भी. देयर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. वो भी तो है ना इसी चैप्टर में. वो लास्ट टाइम ये स्ट्रक्चर एक चैप्टर था अपने आप में. अब वो इस चैप्टर का पार्ट है 5.24. कैन यू सी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला. इधर भी सैम्पलिंग लगाने का पहले पढ़ने का आरएनआर स्ट्रक्चर फिर पढ़ेगा नेटवर्क स्ट्रक्चर फिर पढ़ने का मैट्रिक्स. ये तीन अब फिर भी टाइम हो तो अब तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना. मेरे हिसाब से 10 मार्क के वेटेज के लिए इससे ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड मतलब बुरा कब होगा जो कभी नहीं होना चाहिए. आईसीए ने लिख के दिया है हम वेटेज फॉलो करेंगे और उन्होंने बोला है हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है. ये उन्होंने बोला है इट्स इन प्रिंटेड ऑन देयर वेबसाइट. डू यू गेट माय पॉइंट. उन्होंने बोला डेविएशन भी जो हो सकता है वो 2 से 5 मार्क का हो सकता है उससे ज्यादा नहीं है. समझ रहे हो इधर 5 मार्क बहुत बड़ा हो सकता है अंडरस्टैंड बट उन्होंने ऐसा बोला है 2 से 5 मार्क. बट मैं अज्यूम करूं 2 से 5 मार्क फॉर एंटायर 100 तो इस केस में तो 2.5% ज्यादा वेटेज डेविएशन नहीं होना चाहिए. सबसे बुरा अगर उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछ लिए बट फिर भी जितना मैंने आपको बोला उतना पढ़ लिया वैसे आ जाएंगे आपको इतना रिस्क नहीं होगा.
कैन वी गो बैक एंड फिनिश सम ऑफ आर डिस्कशन, अभी शुरू करें. मेरे साइड से ओवरव्यू हो गया खत्म, अब जाते हैं इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एक एक करके क्लोज करते हैं. चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक चेंज. चलो कम टू पेज नंबर, जितना हो पाएगा बता देंगे, डोंट वरी, टेंशन मतलब जो इंपॉर्टेंट वाला था वो तो खत्म ही कर दूंगा. 5.16, कर्ट लुइंस मॉडल ऑफ चेंज. देखो क्या बोलता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एज अ बिजनेस आपको शायद कोई ना कोई बदलाव लेके आना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग इन योर बिजनेस, इट्स अ डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रोसेस. तो इन्होंने आपको कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए हैं. कर्ट लुइन ने रिकमेंडेशन दिया, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आप सिंपल से तीन स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहला होता है अनफ्रीजिंग, इट इज कॉल्ड एज अनफ्रीजिंग. मतलब सर, कोई भी चेंज नो है, चेंज जो होता है ना, इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज और एज अ शॉक टू योर एम्प्लॉइज. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने एम्प्लॉइज को पहले आपने बताना चाहिए कि हम जो भी बदलाव, हम प्रीमाइसेस चेंज कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजिक चेंज है. हम ईआरपी चेंज कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजिक चेंज है. हम सर ऑफिस के टाइमिंग चेंज कर रहे हैं. इट कैन बी एनी चेंज, इट कैन बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल फॉर योर बिजनेस. तो पहला पॉइंट ये होता है अनफ्रीजिंग, दैट इज मेकिंग पीपल अवेयर व्हाई चेंज इज इंपॉर्टेंट. थोड़ा उनको आपको पॉजिटिवली देयर इज अ नीड फॉर चेंज बताना पड़ेगा. अनफ्रीजिंग का मतलब होता है चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन पे ये चेंज अप्लाई किया जाएगा उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करके दीजिए कि यह बदलाव आने वाला है, आ सकता है, यह आपके लिए क्यों अच्छा होगा. यह अगर पॉजिटिव तरीके से उनके सामने पुट अक्रॉस किया जाएगा और फिर जब चेंज किया जाएगा तो वो लोग शायद चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे. सो स्टेप नंबर वन इज कॉल्ड एज अनफ्रीजिंग. आइए मार्क कीजिए कुछ वर्ड्स को. नंबर वन, मेक इंडिविजुअल्स और द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अवेयर अबाउट द नेसेसिटी फॉर चेंज. हमें चेंज क्यों चाहिए उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए. मतलब चेंज शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज. अगर वो सरप्राइजिंग तरीके से आया तो शायद सोशली डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. इसीलिए हम चाहते हैं सबसे पहले अनफ्रीजिंग कीजिए. अनफ्रीजिंग करना मतलब मेक पीपल रियलाइज जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हमें शायद इंप्रूव करने चाहिए. मेक देम अवेयर दैट अ चेंज इज नीडेड. चाहे वो रूमर्स के थ्रू कीजिए या लेक्चर्स या स्पीच, कैसे भी कीजिएगा, मेक पीपल रियलाइज दैट वी नीड चेंज एंड इट इज फॉर बेटर सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड दैट चेंज मे हेल्प अस इन अ बेटर मैनर. जब तक आप ये नहीं करेंगे आप बदलाव को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. नंबर वन इज कॉल्ड एज अनफ्रीजिंग, मेकिंग देम रियलाइज. इज दिस क्लियर टू यू? नंबर टू इज कॉल्ड एज चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन. जब लोगों को एक बार अवेयरनेस आ गया अब आप बदलाव को इंप्लीमेंट करेंगे, न्यू ईआरपी लगाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, लोकेशन को जो भी आपको बदलना था उस चेंज को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. ये जो चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन है इसमें भी इन्होंने बोला है, एच सी कैलमेन इज अ फेमस नेम, उन्होंने तीन गाइडलाइंस दी है. आप चाहो तो जब ये बदलाव को इंप्लीमेंट करें, व्हेन यू आर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, तो आपको तीन ऑप्शन है. नंबर वन, कंप्लायंस एक तरीका यूज कर सकते हैं आप, आइडेंटिफिकेशन तरीका यूज कर सकते हैं, एंड तीसरा इंटरनलाइजेशन. सुनिएगा क्या बोलता है एच सी केलमेन ने, तीन मेथड प्रपोज किए कि जब आपको नया पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थ्री मेथड्स. नंबर वन इज कॉल्ड एज कंप्लायंस. कंप्लायंस का मतलब है ईमेल शूट करने का, कल से फॉलो करने का है, नहीं फॉलो किया तो ये प्रॉब्लम है, फॉलो किया तो ये फायदा है. इट्स बेसिकली No if and but direct compliance, मतलब follow करना पड़ेगा. It's more like a strict way where you just tell them this is what you need to follow. That is option number one. It is called as compliance. Number two is called as identification. मतलब क्या है? आप ऐसे लोगों को identify करो जिनको लोग idealize करते हैं, जिनसे लोग influence होते हैं आपके पूरे organization में. There can be great senior managers, directors, जो बाकी लोग उन्हें idealize करते हैं. इन लोगों को बोलो आप लोग लोगों को कन्विंस कीजिए, इन्फ्लुएंस कीजिए कि चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके थ्रू चेंज को इंप्लीमेंट कर करवाइएगा तो शायद लोग आसानी से चेंज को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. नंबर वन इज कंप्लायंस, सीधा ईमेल भेजो उनको बोलो फॉलो करना पड़ेगा.
नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई दोस पीपल जिनके थ्रू शायद ये चेंज बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन, जो हमारे कंट्री में कभी भी नहीं होता है. आप खुद रियलाइज कीजिए कि हमको बदलाव की जरूरत है, फिर उसके बाद जब आपको समय मिले, आपको ठीक लगे, आप बदलाव को एक्सेप्ट कर लेना. आई डोंट थिंक ऐसा होता है. आई अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. जब हम क्लास टेंथ में आते तो आपको बोलते हैं आप बदलाव के बारे में मत सोचिए, क्लास इलेवंथ में क्या पढ़ना है वो चूज कर लीजिए. ट्वेल्थ के बाद आपको बोलते हैं आपने नेक्स्ट कोर्स चूज कर लेना चाहिए, उसके बाद बोलेंगे नेक्स्ट जॉब चूज कर लेना चाहिए, ब्रेक आपने 5 साल बाद लेना चाहिए. नेवर, दैट्स द पॉइंट. सो बेसिकली इंटरनलाइजेशन नेवर वर्क्स. नंबर ए कंप्लायंस, मार्क दिस वर्ड, स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटेजी. नंबर टू आइडेंटिफिकेशन, कुछ ऐसे मेंबर्स या लोगों को ढूंढो जिनसे लोग साइकोलॉजिकली इंप्रेस होते हैं, रोल मॉडल्स, ताकि वो लोग आसानी से इंप्लीमेंट करने में हेल्प करे बदलाव को. नंबर थ्री इंटरनलाइजेशन, थोड़ा सा लोगों को इंटरनली बदलने के बारे में सोचने दीजिए, उनका थॉट प्रोसेस बदलने दीजिए. जब उन्हें लगे कि ये बदलाव अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, तब वो अपने हिसाब से आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. नंबर वन वॉज अनफ्रीजिंग, पहले मेक पीपल अवेयर व्हाई चेंज इज नीडेड. इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज. चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, इसमें बदलाव को इंप्लीमेंट करना है. तीन ऑप्शन है, एनफोर्स कर दीजिए, दैट इज कंप्लायंस. लोगों को ढूंढिए जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके थ्रू इंप्लीमेंट करवाइएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन. इंटरनलाइजेशन इज लेट पीपल फील इंटरनली वाई दे बिलीव चेंज इज इंपॉर्टेंट, और फिर उनको एक्सेप्ट करने का मौका दीजिएगा. पहले दोनों सबसे कॉमनली यूज किए जाते हैं. अभी गुड. थर्ड वन इज कॉल्ड इज रीफ्रीजिंग, जब नया चेंज इंप्लीमेंट कर ही दिया है. कैन आई से नाउ दिस इज नो मोर अ चेंज, इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर बिजनेस. कैन आई से इट विल ऑकर व्हेन न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ. अब वो बदलाव परमानेंटली इंप्लीमेंट हो चुका है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल बोलता हूँ, आई होप तुम्हारे साथ में ना हो. आप एक फॉर्म को ज्वाइन करते हो, जब आपने ज्वाइन किया तब ऐसा कल्चर था, वी वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, देर इज नो वर्किंग ऑन सैटरडे एंड संडे. धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुआ, उन्होंने बोला सॉरी देर इज नो सैटरडे कॉन्सेप्ट, यू हैव टू वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. आई एम श्योर पीपल विल नॉट लाइक इट. इट्स अ कल्चर. अगर आपको एक बार आपका दिमाग को आदत पड़ गया कि मैं मंडे टू फ्राइडे बहुत काम कर सकता हूँ बिकॉज सैटरडे संडे मुझे कुछ भी नहीं करना है, जब सडनली उसको ब्रेक किया जाएगा, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. आपका क्या, पार्टनर का दिमाग खुद का एक्सेप्ट नहीं करेगा. बट अगर उसे समझ में आ गया देर इज नो अदर वे, जब उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, लोग रेजिस्ट करते हैं, आसानी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट समटाइम स्लोली स्लोली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप भूल ही जाएंगे. एक बात सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस. व्हेन आई वाज डूइंग माय आर्टिकलशिप, डू यू नो आर्टिकलशिप यूज्ड टू बी फॉर 3.5 years. आर्टिकलशिप यूज्ड टू स्टार्ट आफ्टर सीपीटी. That means you knew nothing. आपको कुछ नहीं आता था और आपको बोलते थे लिस्टेड कंपनी ऑडिट करने चले जाओ. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, हाउ डिजास्टर्स इट वुड हैव बीन. एंड गूगल भी ढंग से काम नहीं करता था. क्या हर चीज सर्च करके गूगल पे ढूंढ लोगे कि मेरे को अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो किसके पास जाने का. कहना ऐसे आपको इंसान के पास ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, और इंसान फ्री नहीं है तो तुमको बैठना पड़ेगा. इट वॉज वेरी कॉमन दैट हमें कुछ अगर नहीं आता है, वी हैव टू सिट एंड वेट कि लेट माय सीनियर फिनिश हिज ओन वर्क, देन व्हेन ही और शी गेट्स टाइम वो मेरे को एक्सप्लेन करेगा, फिर मैं काम करेगा. मतलब हाउ इनएफिशिएंट द वे वाज. आपके पास ऑप्शन ही नहीं था बिकॉज देयर वाज नो सॉल्यूशन. आपको तो कुछ आता ही नहीं है वैसे भी. यू वर ग्रेटफुल आपको हायर किया है. ऑनेस्टली वी वर ग्रेटफुल दैट हमको हायर करके और वो स्टाइपेंड भी दे रहे सामने से. दैट इज टू बार्गेनिंग करने का स्कोप ही नहीं था. जस्ट इमेजिन हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन 15 इयर्स. आज आपको बोले आर्टिकल 3.5 साल, नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन सीए कोर्स विल कम डाउन. फॉरगेट अबाउट योर माइंडसेट, ओवरऑल एप्लीकेंट ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि नाउ पीपल डोंट हैव द टेंडेंसी टू वर्क फॉर, दे बिलीव आरओआई इज नॉट गुड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यू बिलीव 3.5 years ऑफ माई लाइफ पुटिंग फॉर आर्टिकलशिप, उसके अलावा फाइनल का एग्जाम भी लिखना पड़ेगा अलग से. अच्छा उसके बाद फाइनल का एग्जाम भी होता था. एंड उससे बड़ा प्रॉब्लम, आपका पीसीसी का एग्जाम उस 3.5 के अंदर ही होता था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपके एग्जाम लीव. I don't know whether you're understanding. It's all a cycle. That cycle just, इसीलिए तो लोगों को लगता था ना सीए 5 साल खत्म नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता था. Are you understanding this? It was common. It is part of a circle. जो इतना बुरा था. Once you are entering, it's very difficult to exit. It used to be so dangerous once upon a time. अच्छा, अब तुम्हारे को वो ऐसा option आता है, out of 5, write any 4. There was no option. In my time, transfer is not allowed. आज तुमको आर्टिकल में ट्रांसफर का ऑप्शन होता है फर्स्ट ईयर के अंदर. वो रूल था, नो ट्रांसफर. वंस यू साइन, दैट मींस यू साइनिंग फॉर 3.5 years. हाउ डिफिकल्ट दैट इज.
टुडे इवन दो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द आर्टिकलशिप, मतलब ट्रांसफर लेना अलाउड है फर्स्ट ईयर में, फिर भी तुमको डर लगता है मैं एक्सेप्ट करूं क्या ना करूं। अच्छा मेरे से पहले अभी आई शुड बी हैप्पी कि मेरे टाइम में कम से कम एक एग्जाम का एक दिन का छुट्टी, फिर एक एग्जाम, उसके पहले और बुरा था एग्जाम ऑल 8 डेज, देयर वाज नो हॉलीडे कॉन्सेप्ट। मतलब इफ इट स्टार्ट्स फॉर मंडे, वेदर देयर इज अ संडे, क्रिसमस, दिवाली, व्हाट एवर इट इज, इट विल कंटिन्यू ऑल 8 डेज। ये फाइनल का एग्जाम अगर 8 दिन बैक टू बैक लिखा ना, मेरे सबसे इंसान पागल हो जाएगा। इन टूडेज सिलेबस इट इज इम्पॉसिबल, मतलब आई एम श्योर साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगा। आई रियली मीन दैट, नो ऑफेंस, इट इज डेंजरस। सिलेबस का स्केल दिखा गया आपने, आदमी रिटेन नहीं कर सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तभी थोड़े पेपर प्रिडिक्टिव होते थे, क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल। जो आज के पेपर के पैटर्न है एंड जो पहले के पैटर्न थे उसमें डिफरेंस था। ऑनेस्टली इट वॉज इजियर, बट द सर्कमस्टेंसेज यूज टू मेक इट टफ। पेपर वर कंपेरेटिवली प्रिडिक्टेबल, वी न्यू, बट आपको पता था कि आपके पास जो आर्स है वो लेस देन 15 आर्स है, उसमें आप सब कुछ कैसे कम। और उस जमाने में कोई आपके समरी चार्ट वार्ड ये सब तो यूट्यूब पे टीचर ही नहीं हुआ करता था यार, समझ रहे हो मेरा बात, इट डिडंट एग्जिस्ट। आपको टीचर, अरे कुछ सब्जेक्ट के टीचर के नाम भी नहीं पता था मेरे हिसाब से, टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा था वो तो टीचर ही नहीं थे। आई एक्चुअली बिलीव दैट, हमको तो आइडिया ही नहीं था कि टीचर एग्जिस्ट भी करता है। इट वॉज सिंपल, टैक्स के लिए टीचर होता है, अकाउंट्स एफएम के लिए टीचर होता है, दैट्स इट। थियरी सब्जेक्ट के लिए टीचर ही नहीं होता है। हाँ, एंड पेपर्स वर प्रेडिक्टेबल, पता था कि आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के जाने का, ऐसे कुछ आने वाला है, दैट्स हाउ द पैटर्न वाज एंड पीपल यूज्ड टू फॉलो। नॉट किडिंग, आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक रात पहले पढ़ा है। आई मीन दैट, एक ही बार उसी दिन नेक्स्ट डे गए हैं, लिख के आए हैं, और उनको ITSM में तब भी 60 मार्क आता था। इट्स वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। CA फाइनल इसका जो हुआ करता था, दो बार लोग पढ़ते थे, एक बार मॉड्यूल खोला, पूरा रीडिंग कर लिया नॉवल जैसे, मार्किंग कर लिया, लास्ट डे सिर्फ उतना ही पढ़ा, गए जो समझा लिख के आए, डन। आई कैन एक्चुअली मेक 15 to 20 पीपल मेक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल टेल यू दैट वी हैव डन दिस एंड इट हैज वर्क्ड, बिकॉज पेपर्स आर प्रेडिक्टेबल। टुडे इट इज नॉट, आई एम टेलिंग यू इट इज टफ, यू हैव टू कवर एवरीथिंग। ऑन दैट टाइम सैम्पलिंग वॉज पॉसिबल, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एंड हाउ योर लक्स यूज टू वर्क ऑल्सो इक्वली एज अ मैटर। रीफ्रीजिंग, आई एम श्योर ICAI ने भी बदलाव को थोड़ा इंप्लीमेंट किया है। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, द थर्ड वन इज रीफ्रीजिंग। स्पेंड 2 मिनट्स फटाफट से कर्ट लुइन का प्रोसेस पढ़ लीजिए, मेरे सबसे ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पे जाएंगे। इसमें जो HC केलमन के जो 3 मेथड्स है वो और भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उस पर स्पेसिफिकली योर कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, उन पे भी MCQ आ सकता है या उन 3 पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा, जनरली 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। जो चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन है उसमें 3 मेथड्स दिए हुए हैं। नंबर 1 इज कंप्लायंस, एनफोर्सिंग की आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली रिस्क रिवॉर्ड, फॉलो करोगे तो रिवॉर्ड मिलोगे, रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पेनल्टी, पिनलाइज किया जाएगा, आपके अगेंस्ट नेगेटिव एक्शन लेंगे।
है. दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन. लोग हमेशा इन्फ्लुएंस होते हैं बाय सर्टेन इंपॉर्टेंट पीपल. आप उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, उनके थ्रू चेंज को इंप्लीमेंट करवाइए. एंड द थर्ड वन इज इंटरनलाइजेशन. उन्हें इंटरनली नए चेंज सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचने दीजिए. वंस दे बिलीव दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट, उनका ये फ्रीडम उनको दीजिएगा दैट दे कैन एक्सेप्ट द चेंज वेन एवर दे वॉन्ट टू. आपको बोलूं क्या, कस्टमर से रिलेटेड जब भी कुछ होता है ना तो फॉलो किया जाता है इंटरनलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, हमारा एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, हमने नया वेबसाइट बिल्ड कर दिया, पर मुझे लगता है लॉट ऑफ माय कस्टमर्स आर यूज्ड टू ऑफ एग्जिस्टिंग वेबसाइट. आई शुड नॉट फोर्स देम टू यूज अ न्यू वेबसाइट. तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही वो वेबसाइट पर एंटर करेगा उसको नया वेबसाइट दिखेगा, पर सामने ऊपर एक पॉपअप आएगा, इफ यू आर नॉट यूज टू एंड यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग ओल्ड वेबसाइट, क्लिक हियर. अब जैसे क्लिक करेंगे ना, वो रीडायरेक्ट करके आपको ओल्ड वेबसाइट पे लेके जाएगा. मतलब मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करके रखेगा ताकि जब तक कस्टमर एक्चुअली में नई वेबसाइट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज टू ना हो जाए, तब तक मैं उसे ओल्ड का भी ऑप्शन देते जाऊंगा. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन. लेट देम रियलाइज डू दे रियली नीड दिस, एंड अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना है. ये वेबसाइट पे पॉसिबल होता है, ऐप पे एक्चुअली मुश्किल होता है, बिकॉज वेबसाइट के अंदर आप अलग अलग सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं आसानी से. इट्स यूज ऑन डेस्कटॉप और अ लैपटॉप. ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन इट्स टेक्निकली डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई मोबाइल ऐप अगर आपने एक बार रिफ्रेश कर दिया एंड इफ द यूआई इज चेंज्ड, यू कैन नॉट गो बैक टू ओल्ड यूआई. आपको नया यूआई यूज करना पड़ेगा. टेलिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉर्मल. एनीवेज, यू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक चेंज. तीन पॉइंट से अनफ्रीजिंग, मेकिंग पीपल अवेयर. दूसरा चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन. एंड तीसरा इज रीफ्रीजिंग. द चेंज विल बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर डे टू डे बिजनेस कल्चर. इज दिस क्लियर टू यू? कम टू लीडरशिप, पेज नंबर 5.40. आइए, कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. सुनिए, यहां पे पहले तो दो कॉन्सेप्ट मेरे को पता होना चाहिए, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एंड व्हाट इज अ ट्रांजैक्शनल लीडर. सिंपल है, इन्होंने दो टाइप का लीडरशिप स्टाइल दिए हैं. अगर आपको लगता है एक बिजनेस को टर्न अराउंड की जरूरत है, किसकी जरूरत है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की जरूरत है, या एक एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ की जरूरत है, दे बिलीव यू विल नीड अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. अगर आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में है, मतलब आप बिजनेस बढ़िया कर रहे हैं, कंसिस्टेंट वही चीज फॉलो करना है, डिसेंट ग्रोथ चाहिए, तो उन्हें लगता है ट्रांजैक्शनल लीडर बेटर रहेगा. दोनों में डिफरेंस ये है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर चीजों को बदलने के बारे में सोचेगा, लोगों को थोड़ा एम्पावर करने के बारे में सोचेगा, थोड़ा एंथुसियाज्म, करिश्मा, ऐसा बाकी एडिशनल क्वालिटीज लेकर के आएगा. इसलिए उस लीडर को हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बोलते हैं. मतलब यू बिलीव कंपनी इज गोइंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स, मतलब डिफिकल्ट टाइम्स, यू बिलीव टर्न अराउंड इज इंपॉर्टेंट, या देर इज एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन, वी नीड समथिंग यू नो टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी मे चूज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. जब आपको लगता है बिजनेस बढ़िया कर रहा है, सेम बिजनेस ऐसे ही बढ़िया से कंटिन्यू करना है, फॉर्मल अप्रोच चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, बढ़िया काम करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, बढ़िया काम नहीं करोगे आपके लिए रिस्क है, आपको निकाल दिया जाएगा, स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच फॉलो करना है, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल काम में आएगा. आइए पहले दोनों लीडरशिप स्टाइल को पढ़ते हैं. पेज नंबर 5.43, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. द लीडर विल यूज करिश्मा, एंथुसियाज्म टू इंस्पायर पीपल. इट विल बी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट्स. इंडस्ट्रीज एट द वेरी स्टार्ट और एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल विल चूज दिस. या आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बुरा हो गया होगा और आपको मेजर चेंजेस लाना है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर काम में आएगा. नंबर टू इंपॉर्टेंट है. नंबर थ्री देखिए, दे विल ऑफर एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन. दे विल मोटिवेट पीपल टू एन एक्सटेंट कि लोग अपने कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड जाके काम कर पाएंगे. वैसा लीडरशिप स्टाइल कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. क्या आपको समझा? क्या वो पूछेगा, सिचुएशन देगा, कंपनी की हालत खराब है, उन्हें टर्न अराउंड की जरूरत है या एक्सट्रीम ग्रोथ की जरूरत है, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज रिक्वायर्ड. आप बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर दो पॉइंट लिखने का है. पॉइंट नंबर टू एंड थ्री लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा. पढ़ लीजिए दो मिनट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल.
पॉइंट नंबर फाइव में ग्लेन को मार्क कर लीजिएगा, दे विल मोटिवेट द फॉलोअर्स टू डू मोर देन ओरिजिनल अफेक्टेड, मतलब जनरली उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनके बियॉन्ड उनको स्ट्रेच करके बेटर परफॉर्म करने में आप लोग हेल्प करेंगे. दैट लीडरशिप स्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. यू ट्राई टू यू नो मोटिवेट पीपल इन सच अ मैनर दैट दे विल आउट परफॉर्म बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस व्हाट यू हैव. जनरली टर्न अराउंड इट्स अ कॉमन लीडरशिप स्टाइल दैट इज रिक्वायर्ड. द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल. इनके सबसे बोरिंग लीडर है. अब डिजाइन करेंगे सिस्टम, कंट्रोल लगाने का ट्राई करेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बस इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे, एग्जिस्टिंग कल्चर पे ही बिल्ड करेंगे, सेम प्रैक्टिसेस को ही एनहेंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे. आप सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स फॉलो करेंगे. लोग बढ़िया काम करेंगे रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं बढ़िया काम करेंगे पिनलाइज किए जाएंगे. ये एक फॉर्मल अप्रोच है एंड जनरली कब बेटर रहेगा, जब सेटल्ड एनवायरमेंट है. आप ग्रोथ अच्छा खासा आ चुका है, मैच्योर्ड इंडस्ट्री की तरफ के आसपास हो, ओवरऑल कंपनी बढ़िया कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी अगर आप चूज करते हो, या एक्सपेंशन में भी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन है, कोई आप डाइवर्सिफिकेशन करने का बहुत ट्राई नहीं कर रहे हो, तो शायद आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल काम में आ जाएगा. अलायंसेस वगैरह करने ये काम में आ सकता है, अगर मर्जर एक्विजिशन वगैरह करने तो शायद ट्रांसफॉर्मेशनल काम में आएगा. इस तरीके से इन्होंने डिफरेंशिएट किया है. आपको बस दो दो स्टेटमेंट ढंग के लिखने आने चाहिए. वो सिचुएशन देगा, एक लीडर बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन ले, दूसरा लीडर बताएगा ट्रांजैक्शन ले, तेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन सा लीडर कौन सा है, उसके बारे में दो दो पॉइंट लिखना पड़ेगा. उतना भी लिख पाए तो आपका काम हो जाएगा. आई विल शो यू अ क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी, मिल जाएगा कुछ ना कुछ. स्पेंड 2 मिनट्स रीड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन वंस. Come to 5.41 now. Exam mein question dega. You are a leader for the organization. Aapka organization strategic management laga raha hai. Strategy ko execute karne mein ek leader ka role kya hota hai? What is the role of a leader when you are executing a strategy? Point number 6 ko mark kijiyega. That line will become a question mark. Managers have 5 leadership roles which they help in good strategy execution. How can they help in a good strategy execution? 5 rule diye hain. Sabse pehla hai, as a leader, you should be on top of everything what is happening in the company. Kya achha chal raha hai, kya bura chal raha hai, who is agreeing to your new plan, who is not agreeing. Har ek cheez ke baare mein aapke paas awareness hona chahiye. As a leader, staying on top of everything that happens in your company is a essential requirement. Number one, staying on top of what is happening, closely monitoring progress, kya issues hai wo aap dhoond rahe hain, kya obstacles hai jo aapko badhiya se execute nahi karne denge, wo sab aapko pata hone chahiye. अगर एक लीडर को प्रॉब्लम्स के बारे में, कंसर्न्स के बारे में नहीं पता होगा तो सिंपल है, उनका जो रेजोल्यूशन है, उनका जो सोल्यूशन है, वो और डीले होते जाएगा, और जितना सोल्यूशन डीले होगा उतना आपको डैमेज होते जाएगा. इसीलिए बोलते हैं आपको ऑन अ टाइमली बेसिस सारे कंसर्न्स और इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज व्हाई यू शुड बी क्लोजली एसोसिएटेड विद एवरीथिंग दैट हैपेंस. सिंपल है, आप हर जगह पे खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते हो, बट हर किसी को बोल सकते हो कीप मी इन द लूप. आप ईमेल पे हमेशा लूप में रहेंगे तो हर एक चीज जो डिस्कस हो रही होगी किसी के साथ में भी, वो आपको एटलीस्ट लूप के अंदर पता चलते जाएगी. कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा तो फ्लैग कर देना चाहिए कि आपने वो रीड करना ही चाहिए. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? यस. नंबर 2, आपने ओसीएम वगैरह में पढ़ा होगा, क्रिएट अ कल्चर एंड हैव यू द वर्ड एस्प्री द कॉर्प्स.
बेसिकली एक ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करना जहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के ग्रोथ के साथ में, एक दूसरे के अचीवमेंट साथ में खुश होते हैं. एक ऐसा कल्चर बिल्ड कीजिए जहां पे लॉयल्टी है, एट द सेम टाइम पीपल आर हैप्पी विद द अचीवमेंट ऑफ अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा कल्चर आपने प्रमोट करना चाहिए ताकि आपके जो मेंबर्स है वो एनर्जाइज होंगे एंड बढ़िया से लॉजिकल तरीके से आपके स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे. नंबर वन, यू शुड नो अबाउट द कंसर्न्स ऑफ प्रॉब्लम्स. यू शुड स्टे ऑन टॉप ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. नंबर टू, क्रिएट अ ग्रेट कल्चर जिससे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना कि एक दूसरे को ड्रैग करने का ट्राई करेंगे. इफ दे ऑल सपोर्ट ईच अदर, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा. नंबर थ्री, आपको ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रेस्पॉन्सिव रखना पड़ेगा टू चेंजिंग कंडीशन. याद है क्या, बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक, इट विल कीप ऑन चेंजिंग. सो आपको कॉन्स्टेंटली पता होना चाहिए दैट सर शायद चीजें वैसे नहीं जाने वाली है जैसा आप प्रिडिक्ट करेंगे. याद है, स्ट्रेटजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. तो रेस्पॉन्सिव होना इक्वली इंपॉर्टेंट है. यू शुड स्टे अलर्ट अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू इनोवेटिव आइडियाज, कोई प्रॉब्लम जो आपको मिल सकती है वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. मे बी बिजनेस को आपको बार बार, यू नो, यू कैन से रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीमॉडलिंग करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, यू नो Zomato, व्हाट यू सी टुडे, इट वाज नॉट द ओरिजिनल Zomato. Zomato वाज ऑल अबाउट रिव्यू. दे नेवर थॉट दैट दे विल डिलीवर प्रोडक्ट, दे नेवर थॉट दैट पीपल विल बाय फूड एंड आस्क समवन टू डिलीवर. दिस वाज नॉट द कल्चर इन आवर कंट्री, दिस वाज नॉट द कल्चर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वेस्ट के अंदर भी बहुत बाद में पिकअप हुआ, उसके पहले Zomato स्टार्ट हो चुका था. Zomato ने गल्फ में एक्सपेंशन किया था, बट उसका बिजनेस मॉडल ही खराब था. बिजनेस मॉडल क्या था, लोग आके Zomato पे रिव्यू लिखेंगे रेस्टोरेंट्स के बारे में, जो लिखेंगे, पर उससे पैसा कमाना इतना आसानी नहीं है. आप पैसा कमा पाओगे जब आप एक्चुअली में वैल्यू एडिशन वाला सर्विस दे रहे हो. रिव्यू से वैल्यू एडिशन है पर उतना नहीं है जितना मैं उसके लिए पैसा चार्ज करूं. आइडियली वैल्यू क्रिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है. बाद में उसके मॉडल को चेंज किया गया, तब जाकर उन्हें समझ में आया दैट द जो रेस्टोरेंट्स है, सेम रेस्टोरेंट, उनका रिव्यू तो अभी भी आना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, बट पैसा उसके लिए नहीं मिलेगा. पैसा किसके लिए मिलेगा, जब एक्चुअली में लोगों को वैल्यू क्रिएट करके देंगे, जब आप फूड डिलीवर करेंगे, दैट इज वेयर यू रियली चार्ज द मनी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब ओवरऑल इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड हो गया कि रेस्टोरेंट्स के डिटेल्स भी वहां पे है. आप वहां पर जाकर के डाइन आउट भी कर सकते हैं, यू कैन पे थ्रू Zomato, उससे उसको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा. फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस मॉडल बिल्ड हुआ. ओरिजिनल बिजनेस मॉडल ये नहीं था. सिमिलरली पॉइंट नंबर थ्री क्लियरली बोलता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता है आपको अपने बिजनेस को बराबर से स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहना चाहिए. योर स्ट्रेटेजी शुड बी रेस्पॉन्सिव. दैट इज वाई एज अ लीडर इट्स योर जॉब टू कीप एन आई ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड कैपेबिलिटीज. इस पॉइंट नंबर ABC क्लियर टू यू? नंबर फोर इज अ टफ वन, एक्सरसाइज एथिकल लीडरशिप. मतलब सर, इंश्योर कीजिएगा कि आप बिजनेस को रन करते हो लाइक अ मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजन. मतलब एक जो बेस्ट पॉसिबल इंसान कंप्लीटली अनबायस्ड होकर के जैसे डिसीजन लेगा, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन क्या होगा. ये सबके सब लीडर्स के रोल्स हैं कि आपको भाई, यू शुड स्टे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. यू शुड मेक योर ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू चेंजेस. यू शुड क्रिएट अ कल्चर जहां पर आप एक्चुअली में एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लोग पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं. नंबर फोर, आपने बिजनेस को रन करना चाहिए लाइक एथिकल लीडर, जहां पे कोई भी नॉन कंप्लायंसेस, कोई भी गलत चीज को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, कोई भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करते हो. एंड द लास्ट वन, अगर आपको लगता है थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यू प्लान्ड, इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन का लास्ट स्टेप था, इफ द स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग एज यू हैड प्लान्ड, यू हैव टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन ताकि आपका एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो सकता है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है. ये पांच रोल्स हैं लीडर के, अगर आप अच्छा स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन चाहते हैं. दो मिनट स्पेंड कीजिए इधर. अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन नहीं है, ये लैंग्वेज याद करना पड़ेगा. यहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये एज इट इज पांच पॉइंट आने चाहिए. मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट.
आइए नेक्स्ट वन, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। देखो मुझे आपको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज पढ़ानी थी। वन वाज स्ट्रेटेजिक चेंज, कर्ट लुइन का थ्री स्टेप पढ़ाया, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन एंड रीफ्रीजिंग, वो स्ट्रेटेजिक चेंज इंपॉर्टेंट था। दूसरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आपको भी पढ़ाएंगे। थर्ड वन जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ये तीन ओल्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल को ढंग से सुनिएगा, चार कंट्रोल्स हैं। दिस वाज आईसीआई वंस अपॉन अ टाइम फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन। एक और था जो उन्होंने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया, दैट इज रिचर्ड रूमलेट्स क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट। स्ट्रेटेजी ऑडिट करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो उन्होंने उड़ा दिया, उसके जगह पे ही आपका एसपीएम कॉन्सेप्ट आया, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। इसीलिए बोला मैंने आपको कंट्रोल के बाद में, आप जब खुद से पढ़ने के लिए जाएंगे ना तो आपको पहले सबसे पहले क्या पढ़ना है, एसपीएम ही पढ़ना है, ध्यान रखना, बिकॉज इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑडिट। स्ट्रेटेजी ऑडिट एंड कंट्रोल दोनों आईसीए को बहुत पसंद है, रादर सब बहुत बार हुआ है, एक अटेम्प्ट में कंट्रोल आया, अगले वाले में ऑडिट आ गया, फिर से अगले वाले में कंट्रोल पे क्वेश्चन आ गया, इट वॉज बींग डन क्वाइट क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अब उन्होंने वो ऑडिट को हटा करके एसपीएम डाल दिया है, दैट इज वाई इसको आप ढंग से जरूर पढ़ के जाइएगा। अभी के लिए लेट्स गो टू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या बोलता है। इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 5.44, What is strategic control? Let me give you an overview. Simple शब्दों में ऐसा बोला जाता है, जब हम strategic management का process लगाते हैं, how it starts? Number one, where are we? मतलब खुद का internal and external analysis. सुना होगा आपने strategic analysis, that includes your internal and external analysis. यहां से decide करते हैं where we want to be. मतलब विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। थर्ड वन होता है सही स्ट्रेटेजी को चूज करना, फिर उस स्ट्रेटेजी को अगले स्टेप में इंप्लीमेंट करना। तो चार स्टेजेस क्या थे, नंबर वन खुद का करंट सिचुएशन एनालाइज करो, आइडेंटिफाई वेयर आर यू, नंबर टू वेयर यू वॉन्ट टू बी, दैट इज विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाओगे, थर्ड वन सही स्ट्रेटेजी को ढूंढ करके चूज करोगे, फिर उस स्ट्रेटेजी को नंबर फोर में क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, एंड आखिरी स्टेप होता है इंप्लीमेंट करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हमने सोचा था, क्या हम वही रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं जो हमने अचीव करने चाहिए थे। आपने हर स्ट्रेटेजी के पहले कोई ना कोई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे, क्या आपका स्ट्रेटेजी वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है, क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हमने सोचा था, ये आप जब चेक करोगे उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इसका मतलब है मॉनिटर करना, किसको, पूरे स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूशन को, इज इट प्रोग्रेसिंग द वे वी हैड प्लान्ड, आर वी अचीविंग द सेम रिजल्ट्स व्हाट वी वांटेड टू अचीव, अगर हां तो कंट्रोल के बाद पता चलेगा थिंग्स आर गोइंग एज प्लान्ड, अगर कंट्रोल से पता चलता है नो थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान्ड, कैन आई से हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, हां तब करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट करते हैं। आइए लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल विथ मी, पेज नंबर 5.45, what is strategic control? Point number A को mark कीजिएगा। Strategic control focuses on two important questions. Number one, whether strategy is being implemented as we had planned. And number two, क्या results वही है जो हमने strategy से expect किए थे। Point number one में जो दो point लिख के दिए बहुत important है। Strategic control का objective ही एक होता है, ये देखना क्या strategy वैसे ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था, क्या results वही आ रहे हैं जो हमने originally plan और expect किए थे। इनको ऐसा concern क्यों लगता है, क्योंकि जब हम strategy बनाते हैं और जब implement करते हैं उसमें time gap होता है। Formulation कब किया होगा, 6 महीने पहले, साल भर पहले, जब इंप्लीमेंट करेंगे उस इंप्लीमेंटेशन में आपको टाइम लग सकता है, और कभी कभी जब प्लानिंग किया होगा तब दुनिया के सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे, जब एग्जीक्यूशन करने जाएंगे तब सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच शायद स्ट्रेटजी जैसा प्लान किया था वैसा काम नहीं करेगा, शायद बदलाव लेके आना पड़ेगा। इस टाइम गैप की वजह से कंट्रोल इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंट्रोल का मीनिंग नंबर ए में लिखा है, व्हाई कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर बी में लिखा है, देयर इज ऑफन टाइम गैप बिटवीन फॉर्म्यूलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, और टाइम गैप की वजह से देर इज अ चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। आपको मालूम है बिजनेस एनवायरमेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाए थे, याद है क्या, स्पेशल एनालिसिस, माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स, वो बदल जाएंगे तो आपका स्ट्रेटेजी शायद जैसा सोचा होगा वैसा काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सर,
व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, एक ऐसा तरीका जिससे हम इवैल्यूएट करेंगे. क्या इवैल्यूएट करेंगे? नंबर वन, क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही वर्क कर रहा है जो हमने प्लान किया था? क्या उससे वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे? सर ऐसा हमको क्यों लग रहा है, क्यों इवैल्यूएट करने की जरूरत है? क्योंकि सर फॉर्मुलेशन से इंप्लीमेंटेशन के बीच में टाइम गैप होता है, उसके अंदर एनवायरमेंट में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है. इसीलिए हमने मॉनिटर करना जरूरी है कि जो हमने फॉर्मुलेशन के दौरान सोचा था और जब इंप्लीमेंटेशन हो रहा है क्या वो चीजें अभी तक लॉजिकल है या नहीं. इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल लगाने पड़ेंगे. चार कंट्रोल्स है, पढ़ाएंगे. उसके पहले आपको पॉइंट नंबर ए बी दोनों आने चाहिए. स्पेंड टू मिनट्स, सी भी आना चाहिए, बट उसमें से एक ही वर्ड याद रखना, बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. और टाइम गैप जो है ना, उसका मतलब है एनवायरमेंट में बदलाव आ जाएगा तो स्ट्रेटेजी को भी बदलना पड़ सकता है. रीड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. डन. अब सुनो, स्ट्रेटेजी कंट्रोल के चार टाइप्स दिए हैं उन्होंने. पहला है प्रिमाइस कंट्रोल, इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दीजिएगा फॉर एसक्यू, अलग से क्वेश्चन भी आया है, एक्सप्लेन करूंगा. एक है स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस स्पेशल अलर्ट, ये इंडिविजुअली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग आना चाहिए. और लास्ट वाला है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, उधर भी एसक्यू लिख दीजिएगा. नॉर्मली कॉमन क्वेश्चन होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है, उसके चार टाइप्स क्या, बता दो. चारों आपको बताता हूं, ढंग से सुनिएगा, बहुत आसान है, लॉजिकल तरीके से सुनोगे आराम से समझ में आएगा. पहला कंट्रोल इज कॉल्ड एज प्रिमाइस. प्रिमाइस का मतलब होता है अजम्पशन. प्रिमाइस का मतलब होता है अजम्पशन. अब एक बात सोचो, जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कुछ ना कुछ अजम्पशन इन्वॉल्व होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं इंडिया से, कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी शुरू हुआ है. इंडिया से ये भी अज्यूम कर रहे हैं शायद गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा. आई अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो कहना इसे देर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस. जरूरी नहीं है ना सारा assumptions वैसे ही वर्क करेगा. मतलब नॉट अबाउट गवर्नमेंट, आई एम सेइंग इन जनरल assumptions मे नॉट ऑलवेज वर्क द वे यू आर एक्सपेक्टिंग देम. तो सर सिंपल सा बात है, जब हमने स्ट्रेटेजी बनाया तब कुछ assumptions होंगे, उनमें से शायद कुछ assumptions आज भी वैलिड है या नहीं है, ये हमें रीटेस्ट करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए. तो प्रिमाइज कंट्रोल का मतलब है एक ऐसा मैकेनिज्म लगा दो कि भाई स्ट्रेटेजी बनाते वक्त मे भी 10 assumption थे, 10 में से 5 कुछ कोर अजम्पशन थे. सारे के सारे अजम्पशन बार बार चेक नहीं कर सकते हैं, पर जो 5 कोर अजम्पशन है वो आपने जरूर चेक करते रहना चाहिए कि क्या वो अजम्पशन आज भी लॉजिकल है, या वो अजम्पशन में बदलाव आ गया है तो शायद स्ट्रेटजी को भी बदलना पड़ेगा. प्रिमाइज कंट्रोल में आइए, रीड पॉइंट नंबर ए. स्ट्रेटजी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस और प्रिमाइसेस. सर ये अजम्पशंस किसके बारे में होते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में होते हैं. और सबको मालूम है एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है. बीसी के चैप्टर नंबर 2, एनवायरमेंट इज डायनेमिक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिएटेड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इसीलिए बोलता है ये जो अजम्पशंस है एनवायरमेंट रिलेटेड है. और हमारा प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट नंबर बी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अजम्पशंस मे नॉट रिमेन वैलिड. मतलब ये अजम्पशंस बदल भी सकते हैं. इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया है प्रिमाइज टूल. पॉइंट नंबर बी में आता है डेफिनेशन ऑफ प्रिमाइज टूल. व्हाट इज प्रिमाइज कंट्रोल? प्रिमाइज कंट्रोल का डेफिनेशन है पॉइंट नंबर बी में. प्रिमाइज कंट्रोल एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस तरीके से एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे और ये सोचेंगे क्या वो प्रिमाइसेस या अजम्पशंस जिनके ऊपर स्ट्रेटजी बनाया था वो अभी तक लॉजिकल है या नहीं है. मतलब अजम्पशंस को ही क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, आर दे स्टिल लॉजिकल और नॉट. इस पॉइंट नंबर ए एंड बी क्लियर टू यू? रीड ए एंड बी. सी में एग्जाम्पल्स देगा क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं. ए एंड बी इज द मीनिंग. यू हैव टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ अजम्पशंस, क्या वो अभी तक लॉजिकल है या नहीं. क्योंकि सर आपको इसके लिए कंसिडर करना पड़ेगा. देखिए माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स याद है क्या, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल एनालिसिस.
पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स में कभी ना कभी बदलाव आ सकता है। इस पॉइंट नंबर ए बी सी क्लियर टू यू? इतना लिख दोगे प्रिमाइस कंट्रोल का काम हो जाएगा। ऑब्वियसली वो खुद ही बोलता है सारे के सारे प्रिमाइसेस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन पे ही दिमाग लगाना। प्रिमाइस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तीन पॉइंट आने चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? दूसरा कंट्रोल क्या बोलता है? स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, ये टाइम पास है। ये क्या बोलता है? एक जनरल सर्विलियंस करते रहना, मतलब जनरली पता रखना कि लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अटेंड योर सेमिनार्स, मीटिंग्स, क्लब्स, पार्टीज, जस्ट स्टे अवेयर वेयर द पीपल आर मूविंग, वॉट ट्रेंड पीपल आर सपोर्टिंग। इट्स अ जनरल सर्विलियंस, या कोई ऐसा नहीं, हम कोई एक अजम्पशन को टेस्ट नहीं कर रहे, जनरली मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम बिजनेस में कर रहे हैं और जो दुनिया जिस तरीके से मूव कर रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। नंबर टू, कॉन्ट्ररी टू प्रिमाइज कंट्रोल, सर्विलियंस इज अनफोकस्ड। इट इन्वॉल्व जनरल मॉनिटरिंग कि भाई अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकालो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो एक डेंजरस सिचुएशन में आ रहा है। मतलब कैजुअली बिजनेस एनवायरमेंट को ब्राउज करते रहिए, मतलब न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, मीटिंग अटेंड कीजिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए एट द क्लब्स और पार्टीज। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। बेसिकली यू नो सर्विलियंस इज बेसिकली कीपिंग एन आई हाउ थिंग्स आर मूविंग। सो हियर स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस इज स्ट्रेटेजिकली ये समझते जाइए क्या चीजें दुनिया में वैसे ही मूव कर रही है जो हमने सोचा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारा एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड से कुछ और था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिकेम एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस आफ्टर कोविड, इज इट स्टिल देयर और हैव पीपल मूव्ड ऑन? यू नो व्हाट आई मीन, राइट? पीपल यूज टू यूज लॉट ऑफ हैंड सैनिटाइजर ड्यूरिंग कोविड टाइम, डू दे स्टिल थिंक अबाउट इट और दे आर डन नाउ? मतलब इट्स लाइक जनरल, इट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप उसके अराउंड एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होंगे और लोगों को उससे अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंटली जनरल ब्राउजिंग करता रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। पहला वाला बहुत स्पेसिफिक था कि भाई एक अजम्पशन को इवेल्युएट करेंगे, यह बोल रहा है कोई एक अजम्पशन नहीं, जनरल पब्लिक को देखते रहने का, समझते रहने का क्या अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है, बदल चुका है। इस पॉइंट नंबर ए में क्लियर टू यू? नंबर थ्री, स्पेशल अलर्ट। मतलब सर, इफ देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी, कोविड लाइक सिचुएशन, क्या ऐसा कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया है जहां हमको लगता है ये ट्रेंड वेंड सब बदल सकते हैं, द एंटायर वर्ल्ड कैन चेंज, पीपल्स थॉट प्रोसेस के चेंज, ये मतलब एक स्पेशल सिचुएशन है, इसके लिए शायद हमारे पास में एक डिजास्टर रिकवरी प्लान चाहिए। क्या प्लान चाहिए? डिजास्टर रिकवरी प्लान, इस सिचुएशन से हम कैसे ओवरकम करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका का इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल योर यूके इकोनॉमी गोइंग थ्रू टफ फेस, तो एक जनरल कंपनी का जो स्ट्रेटेजी होगा ना उस कंट्री के अंदर, वो कंप्लीटली हॉल्ट पे आ जाएगा। उनको थोड़ा अपने कंट्री के सिचुएशन को समझते हुए अलग तरीके से स्ट्रेटेजाइजिंग करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अनएक्सपेक्टेड इवेंट है दैट मे फोर्स यू टू रिकंसिडर योर स्ट्रेटेजी, समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन गवर्नमेंट, टेररिस्ट अटैक, अनएक्सपेक्टेड मर्जर एक्विजिशन मे ट्रिगर अ इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी। शायद आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा। आप यहां पर कर क्या रहे हो? आपका जो स्ट्रेटेजी है ना उसे मॉनिटर कर रहे हो, तो पहले आप उसके प्रिमाइसेस को मॉनिटर कर रहे हो, जनरल एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे हो, और अब ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्ट्रेटेजी को ही शायद क्या करना पड़ेगा, हॉल्ट करना पड़ेगा, कुछ नया स्टेप्स लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट। इट्स एक्सट्रीम सिचुएशन, आपको थोड़ा स्पेशली मॉनिटर करके अलग से एक्शन लेने की जरूरत है। इज दिस क्लियर टू यू? वापस से, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है? नंबर वन, ये इवैल्यूएट करना क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आखिरी स्टेप है। सब कुछ हो गया है, अब देखो ना क्या वो सही काम कर रहा है, क्या रिजल्ट्स बराबर आ रहा है क्या, ये चेक करना इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो सबसे पहले जिस अजम्पशन पे स्ट्रेटेजी बनाया था वो अजम्पशन को चेक करो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिमाइस कंट्रोल। दूसरा, आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसे कैजुअली ब्राउज करते रहो, क्या कुछ चीजें सिग्निफिकेंटली बदल तो नहीं रही है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। क्या कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेटेजी कंप्लीटली हॉल्ट पे रखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा,
that is called as special alert. Special alert may not be required every time, may be required once in a while randomly, agar ek special alert situation aati hai to. And the last one is called as implementation control. Ye actual strategic control hai. Implementation control mein aayi hai, do word milenge. Monitoring strategic thirst and milestone reviews. ऐसा लगेगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का एक्चुअल डेफिनेशन यहां पर है. आइए मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थर्स्ट, ये आपको हेल्प करेगा टू डिटरमाइन क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है एज डिजायर्ड. यही तो डेफिनेशन था स्ट्रेटेजी कंट्रोल का, क्या स्ट्रेटेजी वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने प्लान किया था या कोई रीएडजस्टमेंट्स की जरूरत है. याद करो दिस लाइन वॉज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. Is strategy being implemented as we planned? क्या results वही आ रहे हैं जो हमने सोचे थे? ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ adjustments लेके आने पड़ेंगे. Milestones का मतलब होता है targets. Milestones का मतलब होता है targets. वही milestone क्या बन जाते हैं पता है क्या? SPM बन जाते हैं. Example, हमारा annual revenue इतना होना चाहिए. ये एक measurement का क्या बना दिया आपने? Tool बना दिया, या मतलब दूसरे शब्दों में क्या बना दिया? Milestone बना दिया. For example, as a business, हम 2023 में कहां थे? 2024 के ending तक ये milestone अचीव करना चाहिए, 2025 तक ये अचीव होना चाहिए. अगर वो अचीव हुआ है तो हम बोलेंगे स्ट्रेटेजी बराबर काम कर रहा है. वो अचीव नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजी नीड्स अ रीथिंकिंग. दिस इज कॉल्ड एज माइलस्टोन रिव्यू. मतलब सर आप अपने स्ट्रेटेजी को टाइम के टर्म्स में, इवेंट के टर्म्स में, रिसोर्स एलोकेशन के टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए. अगर आप ये रेवेन्यू अचीव करेंगे तो अगला पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ये रेवेन्यू से ये प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचेंगे तो आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा. नॉर्मली ये हमारे माइलस्टोन्स होते हैं. तो हम देखेंगे क्या हमारा स्ट्रेटजी वैसे ही काम कर रहा है जैसे माइलस्टोन्स हमने बनाए थे. जस्ट इमेजिन अगर आपके स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं टिल अ पॉइंट इन टाइम, उनके वैल्यूएशंस ड्रॉप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टेंटेटिव टाइमलाइन बनाया था. 2017 में शुरू किया है, बाय 2022 वी विल बिकम प्रॉफिटेबल. सडनली बीच में कोविड आ गया, कहना इससे उसका प्रॉफिटेबिलिटी और डिले हो गया. प्रॉफिटेबिलिटी डिले हो गया मतलब माइलस्टोन चेंज हो गया. माइलस्टोन चेंज हो गया तो वैल्यूएशन भी ड्रॉप हो जाएगा. तो माइलस्टोन रिव्यू हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड क्या स्ट्रेटजी वैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है जैसा हमने सोचा था. दीज आर योर फोर कंट्रोल्स, दे आर पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. कौन कौन से है? नंबर वन प्रिमाइस. प्रिमाइस का मतलब है अजम्पशन. दूसरा है जनरल सर्विलियंस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस. तीसरा है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. नेचुरल कैलामिटी, कोविड जैसा सिचुएशन आया, शायद सब बदलना पड़ सकता है. लास्ट वाला इज जनरल. क्या हमारा माइलस्टोन अचीव हो रहा है? क्या हम वैसे ही प्रोग्रेस कर रहे हैं? मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थर्स्ट मतलब मॉनिटर करना स्ट्रेटेजिकली हम क्या सही काम कर रहे हैं जैसा हमने ओरिजिनली सोचा था. दे टू आर पार्ट ऑफ माय इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल्स. ये चारों के चारों कौन से कंट्रोल का पार्ट है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का पार्ट है. अभी गुड. मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट नंबर ए में आना चाहिए. टाइप्स में प्रिमाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से बहुत बार पूछा गया है. चौथा इंप्लीमेंटेशन के दो पार्ट आना चाहिए. वेरी गुड, दैट मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. एसपीएम इज डन, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज डन. उसके अलावा लीडरशिप में आपको ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन लीडरशिप बता दिया. कॉर्पोरेट कल्चर रिकॉर्डेड में कवर कर लिया था पूरा डिटेल में, दैट इज डन. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू इग्नोर. मैकेंजी 7S मॉडल मैंने पढ़ाया पूरा का पूरा आपको. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज मैनेजमेंट आपको पूरा पढ़ाया. कर्ट लुइन का मॉडल पढ़ाया. चलिए एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं और क्या क्लोज करेंगे. कम टू द लास्ट वन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और मॉडल. जहां से शुरुआत किया था सर्कल खत्म कर देते हैं. वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. And I told you, by the end of this, you will understand. 5.2. देखिए, strategic management process बोल दीजिए, model बोल दीजिए, ये बोलता है कि भाई generally 5 steps होते हैं. और ना ऐसा कोई compulsion नहीं है, ये पहला step ही आएगा.
मैं मानता हूं लॉजिकली कोई एक सीक्वेंस होती है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, बट ये बोलते हैं ये मॉडल ना जितना बढ़िया से पेपर में दिख रहा है रियल लाइफ में वैसे फॉलो नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में स्ट्रेटेजाइजिंग कैन ऑल्सो बी वेरी जनरल, इंप्लीमेंटेशन विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो कोई गारंटी नहीं है ये मॉडल एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसा हम सोच रहे हैं, बट जनरली देर आर फाइव स्टेजेस। एक बार आप डायग्राम को देखिए, गलती से डायग्राम दे दे तो पता होना चाहिए। ब्रॉडर तीन कैटेगरी होती है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, बट इसके अंदर ओवरऑल पांच होता है। पहला वाला होता है ये एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, जो बोलता हूं फॉलो कीजिएगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस के बाजू में लिखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाजू में लिखिए इंटरनल फैक्टर्स, मतलब इंटरनल से मिलेगा आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड एक्सटर्नल से मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कैन आई से स्वॉट एनालिसिस है ये, स्ट्रेंथ वीकनेस इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। वो बोलने के लिए एनवायरमेंट बोल रहा है बट उसका मतलब है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को ही इवैल्यूएट करना चाहिए, मतलब इंटरनली एनालाइज करना चाहिए, इधर मिलेगा स्ट्रेंथ वीकनेस, उधर मिलेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये होता है एक्चुअली स्टेप नंबर वन, ये एक्चुअली में क्या होता है स्टेप नंबर वन, वेयर आर वी ये ढूंढो, खुद पे स्वॉट एनालिसिस लगाओ। नंबर टू, फ्रॉम हियर यू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी, दैट शुड बी योर स्टेप नंबर टू। विजन बनाओ, मिशन बनाओ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, दिस शुड बी योर स्टेप नंबर टू। फिर अगर हमने डिसाइड कर लिया कहां हम जाना चाहते हैं तो अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, सही स्ट्रेटेजी को चूज करेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री। जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट द राइट स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज नंबर फोर, एंड फिर उसे क्या करने जाएंगे, इवैल्यूएट या मॉनिटर करने जाएंगे, दैट इज स्टेप नंबर फाइव। नंबर वन इज योर एनालिसिस, वेयर आर वी, इसमें इंटरनल एनालिसिस भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। इंटरनल को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, एक्सटर्नल को बोलते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। इंटरनल से पता चलेगा स्ट्रेंथ वीकनेस, एक्सटर्नल से पता चलेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। नंबर टू, यहां से हम कहां जाना चाहते हैं उसका विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर सही स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करेंगे क्या वो वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने सोचा था। Is this clear to you? ये पांच stages होते हैं। डायग्राम आपको अगर पढ़ लिया होगा तो यहां पे आके पांच stages को पढ़ लीजिए। Strategic management involves following stages. This should be number one, but लिखा number two है। Environmental and organizational analysis. Can I say it is nothing but my SWOT analysis? Number two, vision, mission, goals and objective बनाने का है। This is my number two. बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, 3, 4, 5. Formulate a strategy, implement a strategy, evaluate and control the strategy. स्टेज वन में कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, दिमाग लगाना मत, चैप्टर वन में सब कुछ आया था ऑलरेडी, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सब सेम है, यू कैन जस्ट इग्नोर। नंबर टू, कैन यू सी एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, ये चैप्टर वन में था, दिस वॉज चैप्टर वन एंड दिस वॉज इन चैप्टर नंबर टू। बताया ना तुमको मैंने, इंटरनल एनवायरमेंटल स्कैनिंग याद है क्या, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस इज इंटरनल, मतलब बेसिकली करना क्या है स्वॉट एनालिसिस करना है, पता क्या चलेगा स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। थर्ड वन, कैन यू सी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, अब हमारे पास कितने स्ट्रेटजी के ऑप्शन है, याद करो कॉर्पोरेट लेवल पे स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट में भी तीन ऑप्शन है, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, एक्सपेंशन में भी इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में भी इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, एक्सटर्नल के अंदर भी हमारे पास मर्जर एंड एक्विजिशंस, याद आया क्या, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, कितने सारे ऑप्शंस थे। फिर माइकल पोर्टर की स्ट्रेटेजी है कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, यही बोल रहे हैं ऐसे बहुत ऑल्टरनेटिव है, कुछ भी नहीं है, एक बार रीड करो जनरली मेरे साथ में, ऐसा लगेगा कि तुमको समझता है क्या। सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑल्टरनेटिव को ढूंढो, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर लो। अच्छा एग्जांपल दो सर, नंबर वन, क्या कंपनी ने कंटिन्यू करना चाहिए सेम बिजनेस एट द सेम लेवल, स्टेबिलिटी। दूसरा,
क्या कंपनी ने एक्सपैंड करने के बारे में सोचना चाहिए? एक्सपेंशन, उसमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्या? इफ इट शुड डाइवर्सिफाई, शुड इट डाइवर्सिफाई इन रिलेटेड और अनरिलेटेड? याद है क्या, अनरिलेटेड का एग्जांपल कॉन्ग्लोमेरेट था, रिलेटेड में था कॉन्सेंट्रिक, दैट इंक्लूड्स योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। याद आया क्या सर? शुड इट गेट आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फुल्ली और पार्शियली? थोड़ा बहुत एग्जिट करेगा तो डाइवेस्टमेंट, कंप्लीटली एग्जिट करेगा तो लिक्विडेशन। वही टाइम पास एग्जाम्पल्स है, इग्नोर करना कभी नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो ऐसा मान के चलना टाइम पास इजीली करे। दिमाग किधर लगाना है? इधर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। आपने जो स्ट्रेटजी चूज किया आप उसे क्या करना चाहते हैं? इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इस लाइन को मार्क कीजिएगा, टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू एक्शंस यू नीड अ गुड मैनेजर हु शुड बी एबल टू मोटिवेट पीपल, बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द कंपनी का कॉम्पिटेंसीज, एक अच्छा वर्क का एक क्लाइमेट क्रिएट करे, परफॉर्मेंस टारगेट्स बनाए, तब जाकर के स्ट्रेटजी क्या होता है? इंप्लीमेंट होता है। ये पॉइंट नंबर थ्री आपके क्वेश्चन में लिख के देगा, वो पॉइंट नंबर थ्री विल बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। वो बोलेगा सर प्लान बना के कुछ नहीं होगा, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए एक बढ़िया मैनेजर चाहिए, लीडर चाहिए, उसने सब करना चाहिए। अब बताइए स्ट्रेटजी के इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए? तो बोलेगा एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब इंप्लीमेंटेशन के दौरान फॉलोइंग चीजों को दिमाग में रखना है। कुछ पॉइंट्स को मार्क करता हूं, वो कीवर्ड्स को मार्क कर लेना, आराम से आंसर लिख पाओगे। सबसे पहले स्टाफिंग, यू नीड द राइट सेट ऑफ पीपल फॉर एग्जीक्यूशन, स्टाफिंग को मार्क कर लीजिए। नंबर टू, मोटिवेट पीपल, नंबर टू मोटिवेट द पीपल कि वो टारगेट्स को अचीव कर पाए। थर्ड वाला, अच्छा कंपनी में कल्चर बिल्ड कीजिएगा जो स्ट्रेटजी को सपोर्ट करे। आपको पढ़ाया था मैंने कॉर्पोरेट कल्चर, इट कैन बी इधर एन अलाय और इट कैन बिकम एन ऑब्स्टिकल इफ द, तुम सुनते नहीं हो, तुम रिकॉर्डेड देखते ही नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर बताया और समझाया, अगर कॉर्पोरेट कल्चर इट इज इन सिंक विद द स्ट्रेटजी तो वो आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा, वरना आपके लिए क्या बन जाएगा? मुश्किल बन जाएगा। एंड सर आपको एक इंटरनल लीडरशिप लगेगा ताकि हम इंप्लीमेंटेशन को बढ़िया से ड्राइव कर पाए और बढ़िया से स्ट्रेटजी को क्या कर पाए? एग्जीक्यूट कर पाए। कोई भी चार पॉइंट लिखने होंगे मेरे हिसाब से, यू कैन पिक पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर जी, व्हाटएवर एल्स यू लाइक। रिसोर्सेज लगेंगे, बजट बनाना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, कल्चर बढ़िया बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के काम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये सब चीजें इंप्लीमेंटेशन में आपको हेल्प करेगी। ये पांच सात पॉइंट में से कोई भी चार पॉइंट आने चाहिए, ये वो आपसे अलग से पूछ सकते हैं। आखिरी वाला स्टेप सेम है, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये पूछना होगा तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पूछेगा, ये पूछना होगा तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स पूछेगा, जो आराम से डिटेल में लिख के दिए हैं। वो किसका पार्ट है? स्टेप नंबर फाइव का पार्ट है। एटलीस्ट मेरे को पांच स्टेजेस होते हैं, ये तो एटलीस्ट समझा होगा। या ना, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अकॉर्डिंग टू मी। और तो क्या है, चलो एक और बीकॉम लेवल पढ़ना है तो ये भी बताया था लास्ट लास्ट, तुम्हें क्या याद रखोगे? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, ये बीकॉम लेवल क्वेश्चन है यार। सुनिए, मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन जनरली रिक्वायर्स योर टॉप लेवल मैनेजमेंट, योर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। दिस इज मोर ऑफ एनालिटिकल वर्क, दे आर थिंकिंग व्हाट शुड बी आर डायरेक्शन। ये लोग सोच समझ करके यू नो बिजनेस का एक डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो इसीलिए अगर आप फॉर्मुलेशन के बारे में बात करेंगे, दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव सेटिंग, दिस इज अबाउट गोल्स क्या अचीव करने हैं, क्या उसके लिए सही रास्ता होना चाहिए, वो सब फॉर्मुलेशन में आता है। इसीलिए फॉर्मुलेशन इज सपोर्टेड बाय द वर्ड इफेक्टिवनेस, सपोर्टेड बाय द वर्ड इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने जो सोचा था क्या उसको अचीव किया क्या। सो फॉर्मुलेशन इज अराउंड सर्टेन गोल्स, सो इसीलिए हम नॉर्मली यहां पर वर्ड इफेक्टिवनेस यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, इट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जहां पर आप एंटिटी के गोल्स बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे। सर ये एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है जहां पर आपको एज अ लीडर सोचना पड़ेगा। इट इज अबाउट इफेक्टिवनेस, कि जो हमारे गोल्स है वो अचीव होने चाहिए। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, रैशनल प्रोसेस है। दिस विल रिक्वायर वेरी फ्यू पीपल एट द
टॉप लेवल, मतलब हायर लेवल के लोग हमको लगने वाले हैं. एंड ऑब्वियसली पहले आता है फॉर्मुलेशन, बाद में आता है इंप्लीमेंटेशन. सो फॉर्मुलेशन प्रिसीड्स योर इंप्लीमेंटेशन. जनरली फॉर्मुलेशन पहले आता है. अब इंप्लीमेंटेशन पे आ जाओ. यहां पर जो आपने प्लान किया होगा उसे पुट टू एक्शन करना है. सो सर इट इन्वॉल्व्स ऑल द मेथड्स और वर्क रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिंग द प्लान. मतलब आपको यहां पे प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. दिस इज अबाउट एफिशिएंसी, दिस इज अबाउट डे टू डे ऑपरेशनल प्रोसेसेस. एंड इसमें ज्यादा आपके मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल वाले मैनेजर्स इन्वॉल्व रहेंगे. यहां पर आपको थोड़ा मोटिवेशनल लीडरशिप ट्रेट्स का जरूरत होगा. एंड जनरली इंप्लीमेंटेशन कम्स आफ्टर फॉर्म्यूलेशन. ये बेसिक्स ऑफ बीकॉम लेवल का डिफरेंस है. अच्छा, हमको फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, इसीलिए आपको पता भी होगा ना, ये जो बॉक्स बनाते हैं ऐसा, वो बोलता है यू नीड अ सिचुएशन जहां पर आपका फॉर्मुलेशन भी अच्छा है एंड आपका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है. मतलब देयर आर फोर सिचुएशन. या तो फॉर्मुलेशन बढ़िया होगा, इंप्लीमेंटेशन वीक रहेगा, या फॉर्मुलेशन भी अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है. बी इज द बेस्ट सिचुएशन. सबसे बुरा क्या होगा? फॉर्मुलेशन भी आपका फ्लॉड है एंड इंप्लीमेंटेशन भी क्या है, आपका वीक है. चार सिचुएशंस है. ऑब्वियसली बेस्ट होगा गुड फॉर्मुलेशन एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सिर्फ प्लान बना के भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन बढ़िया होकर भी कुछ नहीं होगा, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? देखो, ऐसे तो नेवर एंडिंग है चैप्टर को, जितना भी डिस्कस करेंगे खत्म नहीं होने वाला है. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगता था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मेरे साइड से यहाँ डिस्कशन खत्म होता है. अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आपने कंसिडर करने चाहिए, ढंग से फॉलो करने चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन. सबसे पहला चीज, हियर मी आउट केयरफुली. सबसे पहला चीज, को चैप्टर बाय चैप्टर एंड इन एवरी चैप्टर कीप इन माइंड देयर इज अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स. मतलब मेरे से बढ़िया चार चार मार्क के दो क्वेश्चन पूछने वाला है और मान के चलिए दो मार्क के एमसीक्यू आने वाले हैं. दैट शुड बी योर माइंडसेट. मतलब आई शुड नॉट रीड अ चैप्टर थिंकिंग इधर से एमसीक्यू आएगा ही नहीं. आएगा, मान के चलिएगा दो मार्क का एमसीक्यू हर चैप्टर से आएगा, तब भी सोचिए एमसीक्यू का 10 मार्क ही होता है, ज्यादा ही आएगा उससे कंपेरेटिवली. कीप दैट इन माइंड. सो आई विल हैव टू राइट 2-4 मार्क आंसर्स फ्रॉम ईच चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, चैप्टर वन में गया, मेरे से क्या पूछ सकता है वो? एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछ सकता है, लिमिटेशन पूछ सकता है. पहले सोचो 4 बाकी क्वेश्चन क्या आएंगे. थिंक लाइक दिस, मेरे से क्या पूछ सकता है वो? रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या है, वो पूछ सकता है. मतलब इफ यू थिंक अराउंड इट, सर क्या एसेंशियल्स है टू कम अप विद अ स्ट्रेटेजिक विजन, उसके एसेंशियल्स के 4 एलिमेंट मेरे को आने चाहिए. मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपका प्रिपरेशन फटाफट होगा, चैप्टर जल्दी कवर होगा. एंड साथ साथ में मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी भी अगर आज तक भी कभी आंसर नहीं लिखे हैं तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एटलीस्ट हर चैप्टर से तीन चार आंसर को लिखना है, और वही आंसर लिखना जो नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर गो टू क्यू एन ए मॉड्यूल. क्यू एन ए मॉड्यूल में पहले 4 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद अब प्रैक्टिस करो. एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन हर चैप्टर से लिखना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 आंसर्स यू नीड टू राइट. 4 × 5 = 20. इफ यू राइट 20 आंसर्स, ट्रस्ट मी यू विल रीच अ कंफर्टेबल जोन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. SM इज फार इजियर देन ऑडिट व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन. द प्रॉब्लम इज देयर इज लिमिटेड कंटेंट एंड पीपल गेट बोर्ड, और वो ढंग से उसमें टाइम डिवोट नहीं करते हैं, कम टाइम डिवोट करते हैं, और उसकी वजह से मार्क्स में बहुत हैवी इंपैक्ट आता है. प्लीज बाहर की दुनिया को छोड़ दो, इतना सोचो इस चैप्टर में ये पता है, ये लिखने का है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, इतना ही आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. नंबर 1. नंबर 2, वंस यू आर डन विद दिस अप्रोच चैप्टर बाय चैप्टर, हो सकता है ना चैप्टर 1 में कुछ चीज स्किप हो गई होगी क्योंकि आपको लगा था 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे आप 5 के 5 चैप्टर पहले खत्म कर दो कि हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है दैट इज डन. इसके बाद में जैसे स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस है ना, कैजुअल ब्राउजिंग, अब भी वही लगाओ, हर चैप्टर में जो कोर पार्ट है मैंने देख लिया, अब उसके अलावा क्या आ सकता है यार, वो स्ट्रेटेजिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे लिखे, एक बार रीड कर लेता हूं क्या पता. सर फंक्शनल स्ट्रेटेजी में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है, एक बार फिर भी रीड कर लेता हूं क्या फर्क पड़ता है. सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए, एक बार आई विल गो थ्रू. मतलब दैट गोइंग थ्रू विल हेल्प यू टू एटलीस्ट रीड इट वंस, गलती से उसके अराउंड एमसीक्यू आ गया तो दिमाग में स्ट्राइक होगा.
तो दैट सर्विलियंस, दैट जनरल ब्राउजिंग इज प्योरली फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ये करने के बाद में आईसीआर के मॉड्यूल में जाओ, अपने क्यूएनए मॉड्यूल में जाओ, कुछ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो. ट्रस्ट मी, इन अ सब्जेक्ट लाइक एसएम, अगर आप सिंसियरली मटीरियल को बढ़िया से पढ़ते हो, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, यू आर इन अ वेरी वेरी सेफ जोन अकॉर्डिंग टू मी. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. 20 क्वेश्चन पक्का लिखना है, इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए. मिनिमम 20 मींस मिनिमम 20. पिक 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर. डू दैट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको लिस्ट बनवा के दी है, आधा पेपर ही वही क्वेश्चंस आएगा. इट्स एज गुड एज यू नो द 50% पेपर. आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस. सो इट्स प्योरली यू. मेरे को नहीं आता लिखना, आंसर सामने रख फिर लिख. As good as I know the paper, this question will come. I have an answer in front of me. Still, I can't write. Nothing can happen now. This is the last what you can do. You have to do this. Understand, if you do this, you will feel how confident you are in the examination. Is this clear to you? Dusra cheez. Maine aapko janbujh ke kuch questions aise bataye the, jahan pe answer man se likhna hota tha. याद है, एक आध क्वेश्चन आपको विजन मिशन में दिखाया था स्टार्टिंग में, फिर कुछ स्ट्रेटेजाइजिंग में दिखाया होगा. वो क्वेश्चन से डरने का नहीं है, वो क्वेश्चन से क्या सोचने का है, ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है. देखो, आज तक आईसीआई ने आज तक अपना पैटर्न बदला नहीं है, इस बार बदलेगा कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए. थिंक लाइक दिस, एटलीस्ट मैं स्ट्रेटेजी ढूंढ पाया, उसके अराउंड 2 पॉइंट लिख पाया. मे बी क्या होगा, एडिशनल वैल्यू वाले जो पॉइंट है मैं नहीं लिख पाऊंगा, उससे क्या होने वाला है, 1 or 2 मार्क विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. That's okay. उसके बारे में ओवर थिंकिंग मत करो. यू cannot develop a capability in next 2 months to write an answer what ICAI will expect you to write. Trust me, it's practically impossible. It's something which comes only with experience. Unfortunately, ICAI ने आज तक सबको फोर्स किया पढ़ाने का तरीका अलग रहना चाहिए, तो हम कैपेबिलिटी आपकी 2 महीने में डेवलप नहीं कर सकते. मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूं. तो वो क्वेश्चन पढ़ के डिसार्टन नहीं होना है. ओके, पढ़ लेने का सिमिलर क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं है. ICAI रिपीट करे तो वैसे क्वेश्चन रिपीट कर देगा, ऐसा उन्होंने बहुत बार पहले भी किया है. तो अगर सिमिलर क्वेश्चन पढ़ के रहेगा, कल को वैसा ही रिपीटेशन आया तो कोई दिक्कत नहीं है. यू अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट शुड बी योर अप्रोच. इसके अलावा ऐसे में कोई फियर तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा मेरे को लगता है. इफ यू जस्ट फॉलो दिस अभी गुड. मेरा ऑब्जेक्टिव था आपके 5 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए. 5 के अंदर हर अटलीस्ट जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, अप्रोच बता दूं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं. मेरे साइड से माय जॉब इज डन अकॉर्डिंग टू मी. यू कैन कंटिन्यू नाउ अकॉर्डिंग टू योर प्लान. आई विल ट्राई आफ्टर 15th March और मे बी 17th March 1 session ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. दैट विल बी ओनली क्वेश्चंस, प्योरली एंड प्योरली ओनली questions. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी कॉन्सेप्ट देयर. क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते जाऊंगा, बट वो एक 4-5 घंटे या 6 घंटे का सेशन रखेंगे एक संडे को, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन. बट तब तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका एटलीस्ट खुद का सेल्फ रीडिंग मल्टीपल टाइम हो जाना चाहिए, खुद का 20 मार्क 20 questions लिख के हो जाना चाहिए. अगर वो हो चुका होगा तो वो सेशन फायदेमंद रहेगा, अदरवाइज कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा. That is the objective. और वही questions जो हम discuss करेंगे बच्चों, वही marathon होता है. Otherwise same चीज अगर मैं club करके डाल दूंगा तो marathon बन जाएगा. I'm not going to do that. I'm just telling you it's going to be 5-6 hours of Q&A discussion, जहाँ पे genuinely हम कुछ dangerous questions को देख करके आपके सामने ला देंगे. At least exam के 1 महीने पहले अगर वो question देखे होंगे, you'll still feel more comfortable. Are we good? That's all for strategic management. Monday we start with audit once again. And the objective is in next week we have to finish auditing. कैसे अप्रोच रहेगा, क्या रहेगा, लेट मी थिंक थ्रू दिस. मेरे को मेजर जो चैप्टर 5 था वो तो खत्म हो गया है. पीएनएल का पार्ट बाकी है, वो 1 घंटे में हो जाएगा. पीएनएल नहीं, लाइबिलिटीज वाला पार्ट बाकी है. दैट विल बी ओवर इन 1 आवर, नॉट अ बिग डील. आई नीड टू थिंक अबाउट चैप्टर नंबर 9 एंड एट द सेम टाइम आई नीड टू फिनिश सीए फाइनल का भी फास्ट ट्रैक, उसका भी प्लानिंग करना है. तो दोनों ऑडिटिंग वाला पार्ट बाकी है. एसएम वॉज शॉर्ट मेरे सबसे हो जाएगा, इसलिए मैंने आज उड़ा दिया, ताकि आई कैन ऑल्सो स्लीप पीसफुली ऑन संडे. माई 1 जॉब इज डन. Are we good? I'll see you on Monday. I'll give you the timetable on Telegram. Thank you. Bye-bye. Thank you, online students. Do share with your friends. Bye-bye.